हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे बोले श्री वृंदावन बिहारी। देखो वैदिक मंत्र है हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे वैदिक मंत्र यही है। लेकिन वैदिक मंत्र का कुछ नियम होता है, हर स्थान पर बोलना किसी भी अवस्था में बोलना वो नियम नहीं है, दोष है। शुद्धि से ना बोला जाए, अशुद्ध प्रवृत्ति से बोला जाए तो वैदिक मंत्र को बोलने का दोष होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इसको थोड़ा बदल दिया, उसे कर दिया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्योंकि कृष्ण पहले बोलने से ये महासंकीर्तन हो जाएगा और संकीर्तन किसी अवस्था में कैसी भी चित्तवृत्ति आपकी हो, कैसा भाव आपका हो, हर अवस्था में आप संकीर्तन कर सकते हैं, फिर कोई दोष नहीं है। और हरे कृष्ण की प्राप्ति कब होती है? जब सदगुरु करुणा करता है, जब सदगुरु कृपा करता है, तब महामंत्र मूल मंत्र जो हरे कृष्ण हरे राम है उसकी प्राप्ति सदगुरु देता है। सदगुरु निज रूप से इस मंत्र की दीक्षा देता है, निज। पहले हरे राम ही होगा, लेकिन हरे कृष्ण कब होगा? जब सदगुरु की निज कृपा होगी। जैसे आप आश्रम में देखिए, आप जहां भी देखेंगे वहां मंत्र लिखा हुआ है हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आप कहीं भी आश्रम में घूमिए, यहाँ पर जहां भी मंत्र होगा उच्चारण भी यही होगा, हरे राम फिर हरे कृष्ण। दीवारों पर भी यही लिखा हुआ है हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। अंदर जाइए मंदिर के अंदर, समाधि मंदिर के बाहर भी यही लिखा हुआ है हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन सदगुरु महाराज के निज कक्ष में लिखा हुआ है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। माने जो निज मंत्र की प्राप्ति है वो सदगुरु के निज रूप में ही मिलेगी, बाहर नहीं मिलती, बाहर नहीं मिलती। जहाँ सदगुरु करुणा करता है, जहाँ सदगुरु कृपा करता है, फिर उस मूल मंत्र की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हर वक्त जपिए, किसी अवस्था में जपिए कृष्ण राम जपते रहिए खूब जपते रहिए दिन रात। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज तो कहते हैं, बोले भगवत नाम का अनन्य आश्रय ले लीजिए, अनन्य आश्रय, और फिर प्रभु के प्रति अटूट विश्वास कीजिए। अपने सदगुरु के प्रति, अपने सदगुरु के वचनों के प्रति एक अटूट विश्वास, कोई संदेह नहीं। मैंने हर रोज कहा है एक शिष्य की एक जीव की परम श्रद्धा होगी और सदगुरु की करुणा होगी तो साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, साक्षात श्री कृष्ण का। इसलिए पूरे भाव से, पूरे आनंद से हर वक्त, और जब आपके बिस्तर में सुबह सुबह जाग खुले ना, आंख खुले, बोले आंख खुलते ही सबसे पहले ठाकुर जी का नाम जपिए। आंख खुलते ही प्रभु के नाम के एक माला का जाप कर लो, आनंद भाव से जाप कीजिए, फिर धरती पर कदम रखिए, पहले नाम जपिए, और फिर रात को सोने से पहले नाम जपते जपते प्रभु का चिंतन करते करते फिर विश्राम कीजिए। रात को सोने से पहले प्रभु का नाम जपते जपते सोइए और दिन की शुरुआत भी प्रभु के नाम के साथ कीजिए, तो आपकी निद्रा भी निद्रा नहीं रहेगी, वो भी आपकी योग निद्रा हो जाएगी, वो भी भक्ति के स्वर्ण अक्षरों में लिख दी जाएगी। यूं तो रात सोई रहे, रात गवाई सोएकर और दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कोड़ी बदले जाए। लेकिन जैसे आप प्रभु के नाम का आश्रय लेंगे, नाम जपते जपते स्मरण करते करते कृष्ण की स्मृति में आनंद से सो जाएंगे और उठेंगे, कभी भगवत कृपा हो जाएगी। संत महात्मा कहते तीन प्रकार का दर्शन श्री ठाकुर जी का है। सबसे पहले साधारण दर्शन है कि कभी भगवान का चिंतन करते करते आप सो रहे हैं और स्वप्न में श्री कृष्ण की छवि दिखाई दे रही है। यह भी सरकारी यूं ही नहीं होता जब तक प्रभु नहीं चाहते,
स्वप्न में भी नहीं दिखते लोगों को, स्वप्न भी संसार के आते हैं, क्योंकि जिसका चिंतन करते करते सोवोगे वही आपके सपने में आएगा। भूत प्रेतों का चिंतन करते सोवोगे तो रात को भूत प्रेत ही नजर आएंगे, पितरों का दर्शन करते करते सोवोगे तो वही नजर आएंगे, संसार की कामनाओं का चिंतन करते करते सोवोगे तो रात को स्वप्न भी वही आएंगे। इसलिए नित्य प्रति श्री ठाकुर जी का चिंतन करते करते, श्री सदगुरु महाराज के चरणों का चिंतन करते करते सो जाइए और उठिए तो गुरु महाराज का चिंतन करते करते उठिए, आपकी निद्रा में निद्रा नहीं रहेगी, वो भी परम भक्ति हो जाएगी, वो भी परम भक्ति हो जाएगी। थोड़ा संभालिए समय को, थोड़ा संभालिए और जब कथा में जाइए बड़े आनंद से जाइए, एक हर्ष उल्लास से जाइए, एक अंदर एक दिव्यतम तरन्नुम का अनुभव करते जाइए कि जैसे आज ना जाने क्या मिल जाएगा, ना जाने आज इन तीन घंटों में प्रभु मुझे क्या कृपा कर देंगे, ना जाने इन तीन घंटों के अंदर सदगुरु मुझे क्या बख्श देंगे। यूं ही नहीं आए हम लोग महाराज, बड़ा परम भाग्य है, परम सौभाग्य है। गुरु महाराज तो फरमाते हैं, कुर्बान जाओ सो बेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया। बोले वो समय सबसे मूल्यवान है, और ध्यान दीजिएगा जिस वक्त में बैठकर, जिन पलों में बैठकर आप प्रभु का चिंतन कर रहे हैं, सदगुरु की याद में डूबे हुए हैं, आप इकट्ठे बैठकर भी जिन पलों के अंदर केवल प्रभु की भगवत चर्चा कर रहे हैं, वही समय सार्थक है। बस वही समय आप सोच लीजिएगा जी रहे हो, अन्यथा तो केवल लोग जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और जीवन को व्यतीत करना और जीवन को जीना बिल्कुल अलग अलग बात है। अक्सर लोग केवल व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन जिन पलों में बैठकर आप सत्संग कर रहे हैं, जिन पलों में बैठकर आप प्रभु का चिंतन कर रहे हैं, जिन पलों में बैठकर आप प्रभु के मंगल गीत गा रहे हैं, सोचिएगा वही वक्त है जो सार्थक हो गया। कुर्बान जाओ सो बेला सोहावी जित तुमरे द्वारे आया। नानक को प्रभु भये कृपाला सदगुरु पूरण पाया, सदगुरु पूरण पाया। चरण कमल तेरे धोए धोए पीमा मेरे सदगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीमा, दिल से गाया करो अंतरात्मा से, मेरे सिमर 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 नाम जीवा तन मन होवे निहाला। सिमर 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 नाम जीवा तन मन होवे निहाला, तन मन होवे निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीमा मेरे सदगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीमा मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु आपे करणे हारा। पार ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु आपे करणे हारा। चरण धूल तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन तो बलिहारा, तेरे दर्शन तो बलिहारा। ओ चरण कमल तेरे धोए धोए पीमा मेरे सतगुरु दीन। चरण कमल तेरे धोए धोए पीमा मेरे सतगुरु दीन। इसलिए
जब भी वक्त मिले हर वक्त में मंगलाचरण कीजिए, मंगल गीत गाइए श्री ठाकुर जी के, सदगुरु के मंगल गीत गाइए, भाव से गाइए, कुभाव से गाइए, किसी भाव से श्री ठाकुर जी का नाम जीवा पर आना चाहिए और नाम का प्रभाव है वो आपका कल्याण करके रहेगा। तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज, बीज धरती में जाना चाहिए, धरती में उल्टा डले सीधा डले क्या फर्क पड़ता है, अंकुरण हो ही जाएगा। एक बार नाम रूपी बीज सदगुरु जब चित्त में डाल देता है तो एक दिन अंकुरण हो जाएगा, आप केवल प्रतीक्षा कीजिए। यहाँ दो बातें ध्यान दीजिएगा, एक श्रद्धा एक सबूरी। श्रद्धा माने, मैंने पहले श्रद्धा के ऊपर बात कही है, एक दिव्यतम पागलपन, बस एक अनूठा दिव्यतम पागलपन जहां कोई संदेह नहीं है, जहां शरणागति हो गई, बस मैं आपके शरण में आ गया, कैसा भी हूं आपका हूं, भला हूं बुरा हूं, कामी हूं वासना से ग्रसित हूं, हर प्रकार का अवगुण मुझ में भले क्यों ना हो, भले दिन रात मेरी प्रकृति बिल्कुल अशुद्ध ही क्यों ना हो, लेकिन गुरुदेव मैं आपके श्री चरणों में आया हूं, आप स्वीकार कर लेना। शरणागति, फिर संदेह नहीं, श्रद्धा, एक दिव्यतमता आपके भीतर में, एक अभिपसा आपके भीतर में, एक हर्ष उल्लास आपके भीतर में कि जैसे आज ना जाने मुझे क्या मिल जाएगा, इस भाव से शरणागति ले लेना, पूरा भरोसा करके, पूरा विश्वास करके, इस भाव से शरणागति, करीब चले जाइए उनके, बस एक भरोसा करके, अब जो मिलेगा यही मिलेगा। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे अहम का घेरा, भूल जा जगत के वैभव, जग है दुखों का डेरा, फिरे काहे मारा मारा, बोल कृष्णा कृष्णा, एक नाम उसका आश्रय, फिर गाइए खूब खूब मंगल गीत गाइए श्री ठाकुर जी के, किसी अवस्था में गाइए। अब देखो अभी महाराज जी महात्म्य पड़ा है, अभी तो पद्म पुराण का महात्म्य पूरा नहीं हुआ है और स्कंद पुराण के महात्म्य का वर्णन भी अभी पड़ा है, और अगर उसमें प्रवेश करेंगे तो 3 दिन और चाहिए, 3-4 दिन। मैंने पहले कहा था भागवत बहुत गहरी है, कृष्ण बहुत गहरे हैं। आपने कभी विचार किया कि श्री कृष्ण का प्रतिमा विग्रह है काला क्यों है, बांके बिहारी एकदम काले, राधा वल्लभ जी महाराज डॉक्टर साहब एकदम काले, देखिए ना राधा रमन जी एकदम काले, क्या आपको लगता है कि भगवान कृष्ण ऐसे काले हैं? नहीं, कृष्ण कैसे हैं? मुखड़े को देख कोटि चंदाल जावे, गुंगराली लट पे घटाएं वारी जाए, घटाएं वारी जाए, वाकी जादू भरे दो नयन, सखीरी मेरो राधा रमन, छीन ले हंस के सब काये मन, सखीरी मेरो राधा रमन, छीन ले हंस के सब काये मन, सखीरी मेरो राधा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बात पर, कृष्ण कैसे हैं? इतना काला विग्रह है भगवान का, ठाकुर जी का, तो क्या कृष्ण इतने काले? नहीं, थोड़ा गहराई से चिंतन कीजिएगा, कृष्ण का स्वरूप कैसा है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, आप लोग घर में गोपाल जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी का खूब अभिषेक करते हो, खूब श्रृंगार करते हो, तो जब ठाकुर जी को सजाते हो श्रृंगार करते हो तो इनका श्रृंगार आप क्यों करते हो, बताओ इनका श्रृंगार किस लिए किया जाता है? ठाकुर जी को सजाते हो आप लोग, गोपाल जी की सेवा करते हो, तो इनका श्रृंगार क्यों करते हो? ताकि ठाकुर जी उच्ची बोल लो, पंजाबी तो वैसे बड़ी उच्ची बोल रहे, ठाकुर जी का श्रृंगार क्यों करते हो? सुंदर लगे? गलत, बिल्कुल गलत। ठाकुर जी का श्रृंगार इसलिए नहीं होता कि वो सुंदर लगे, अरे महाराज वो तो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, वो प्रत्यक्ष अंगों से, प्रत्यक्ष अंगों से इतने अधिक दिव्यतमता, इतनी सुंदरता, इतना रूप लवण्य उनका है कि अगर एक बार आप प्रत्यक्ष अंगों से उनको देख लो तो जन्म जन्म आपको होश नहीं आएगी, इतनी सुंदरता है।
हम लोग थोड़े बचे रहे, हम लोग थोड़ा होश में बने रहे, इसलिए उनका श्रृंगार करके उनकी सुंदरता को थोड़ा ढक दिया जाता है ताकि प्रत्यक्ष देख ना पाए। महाराज स्पष्ट बात समझ लीजिएगा, ये इतने अधिक सुंदर हैं कि अगर एक बार नजर भरकर भी आपने इनको प्रत्यक्ष अंगों से देख लिया तो वही मदहोश हो जाओगे, इतने सुंदर है। ये जो उनका श्रृंगार होता है ना, ये तो इसलिए महाराज हम थोड़ा होश में रहे, हम थोड़े बचे रहे, थोड़ी दुनिया की हमें होश रहे, अन्यथा इनकी जादूगरी लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर लेके पहला। जादूगरी है, जादूगरी क्या है, आगे चार दिन वृंदावन की लीला, फिर देखना कि इनकी जादूगरी कैसी है। इतने अधिक सुंदर है महाराज, इतने अधिक सुंदर है, होश नहीं रहेगी। श्रृंगार इसीलिए ताकि हमें थोड़ी सी होश बनी रहे, थोड़ा संसार में हम बने रहे, इसलिए श्रृंगार किया जाता है। फिर काला, काला किस बात का प्रतीक है, कभी ध्यान दीजिएगा, कृष्ण काले क्यों दिखाए गए? आपने कभी नोट किया जहां पर जल बहुत अधिक गहरा होता है वो काला होता है, जहां बहुत अधिक जल की गहराई आए, बहुत अधिक गहरा जल होगा तो आपको काला नजर आएगा। कृष्ण का काला रंग गहराई का प्रतीक है। बोले कृष्ण इतने गहरे हैं कि जैसे आप कृष्ण नाम में, कृष्ण लीला में, कृष्ण रूप में, कृष्ण धाम में आप प्रवेश करने लगेंगे तो महाराज बच नहीं पाएंगे, इतने गहरे कि आप कृष्ण ही हो जाएंगे। आगे महाराज का जिक्र आएगा, आप अनुभव कीजिएगा। जब गोपिकाएं कृष्ण लीला में चिंतन में इस कदर डूब गई कि गोपिका गोपिका न रही, गोपिका कृष्ण हो गई। राज पंचाध्यायी में प्रणय गीत में गोपिका इतना चिंतन करती हैं, इतना डूब जाती हैं कि लीला, कृष्ण लीला का अनुसरण करने लगी और कृष्ण चिंतन करते करते गोपिका कृष्ण हो गई, कृष्ण ही हो गई। लेकिन जैसे गोपिका कृष्ण हुई तो गोपिका को एक बात अनुभव हो गई, और वो क्या कि कृष्ण बनने में सुख नहीं है महाराज, कृष्ण बनने में कोई सुख नहीं है, जो सुख श्री कृष्ण की सेवा करने में मिलता है। इसलिए गोपिका फिर गोपिका बनती है, क्योंकि जब तक कृष्ण बनी नहीं थी ये बात समझ नहीं आई थी, कृष्ण बनने के बाद समझ आई। बोले महाराज कोई सुख नहीं तुम्हारा रूप लेने में, जो आनंद तुम्हारी सेवा करने में, तुम्हारी चाकरी करने में, तुम्हारे चरण दबाने में, तुम्हें निहार लेने में, तुमको बार बार वो भोजन प्रसादी निवेदित करने में, तुम्हारा अंगराग देखने में, तुम्हारी अनंत अनंत सेवा करने में जो सुख मिलता है, कृष्ण बनकर भी सुख नहीं मिलता। इसलिए सेवक, इसलिए दास, इसलिए प्रेमिका प्रियसी गोपिका थोड़ा सा भाव फिर अलग कर लेती है, किस लिए, कृष्ण की सेवा होती रहे। इसलिए हर स्थिति के अंदर मंगल गीत गाइए। महात्म्य बहुत बड़ा है, दिन चौथा है, ठाकुर जी को भी आज प्रकट होना है, क्योंकि आगे की जो चार दिन की लीलाएं हैं वो केवल वृंदावन की लीला है, मथुरा और द्वारिका का केवल स्पर्श करेंगे, आवश्यकता नहीं उसकी इतनी अधिक, क्योंकि भागवत की लक्ष्यता क्या है, भागवत का निर्देश क्या है कि केवल जीव किसी तरीके से इसकी चित्त वृत्ति कृष्णमयी हो जाए, कथा सुनते सुनते हमें प्रेम हो जाए। देखो भागवत कोई कहानी नहीं है, पहली बात समझ लीजिएगा, मैं कहानी सुनाने नहीं आया हूं। भागवत का तात्विक स्वरूप जो है कि भागवत का निर्देश क्या है, भागवत का लक्ष्य क्या है, वो करना क्या चाहती है, वो केवल आपको कृष्ण तक लेकर जाना चाहती है, वह आपकी चित्त वृत्ति को कृष्णमयी कर देना चाहती है, वह आपके चित्त के अंदर एक ऐसी रसायन पैदा कर देगी। सूता खेई कथा सारम मम कर्ण रसायनम, एक ऐसा रसायन, एक ऐसा केमिकल, एक ऐसी औषधि आपको दे देगी आपके कर्ण रंध्रों से कि आप कथा सुनते रहेंगे, अखियां चल चल बरसती रहेंगी, भाव प्रकट हो जाएगा, भाव की सृजना कर देगी आपके चित्त में, आपको प्रेम हो जाएगा महाराज कृष्ण से, प्रेम हो जाएगा। हर रोज भागवत सुनोगे, देखो कृष्ण का दर्शन हो कि ना हो कोई आवश्यक नहीं है, जरूरत भी नहीं है, भक्त इसकी भी प्रार्थना नहीं कर रहा, प्रेसी ये भी नहीं कह रहे, वो तो बस स्वतः सुख आए, वो तो उस आनंद में डूबी हुई है,
कि कृष्ण नाम उच्चारण करने से जो आनंद मिलता है, जो रस मुझे मिलता है, बस मैं उस रस में डूबी रहूं सरकार। ये मत छीन लेना, ये आपकी कथा मत छीन लेना। भले सकल विश्व छूट जाए, आपका नाम, आपका रूप, आपका ध्यान, आपका धाम ये ना छूटना पाए। भले छूट जाए जमाना ये सारा, ना छूटे कभी लाडो वृंदावन प्यारा। तड़फा लो जितना जी चाहे, तड़फा लो जितना जी चाहे, मेरी गलियन में मत आना। मैं ढूंढूं तुम्हें पर तुम ना मिलो, मुझे दर दर पे भटकाना, मुझे दर दर पे भटकाना। मेरो सगरो तन मन जल जाए, मेरो सगरो तन मन जल जाए, तुम ऐसी भी रह के आग लगाना। सकल जगत चाहे छुड़वा दो, पर वृंदावन ना छुड़वाना, पर वृंदावन ना छुड़वाना। फिर ऐसी प्रीत, एक ऐसा बीज अंतर अंकुर में, भले भले रहोगे इसी संसार में, लेकिन संसार फीका सा लगने लगेगा। ये भागवत की कसौटी है, ये भागवत का प्रसाद है। सुनते सुनते भीतर ललक ना पैदा हो जाए। हर रोज इवैल्यूएशन करना अपनी, हर रोज रियलाइज करना अपने आप को, भीतर कुछ घटित हो रहा है, भीतर कुछ घटना घट रही है, भीतर कोई रसायन पैदा हो रहा है जो चित्त के अंदर एक शांति, एक एक आनंद की धारा प्रफारित कर देगा। पहले दिन आप कुछ और थे, आज कुछ और हो, तीसरे दिन कुछ और थे और चौथे दिन कुछ और हो, और जैसे जैसे कथा में प्रवेश करोगे महाराज, आठवें दिन बदल जाओगे, बिल्कुल बदल जाओगे। भागवत वो प्रसाद है जो आपको बख्शेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, ये छोड़ता नहीं है। यही संसार धरा का धरा रह जाएगा, फीका लगने लगेगा आपको। कसौटी क्या होगी, कैसे पता लगेगा कि कथा से प्रेम हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप यहां से घर जाते हैं, रात को भी नींद नहीं आ रही, रात को भी मन बार बार कथा में दौड़ता है, वही वाणी याद आती है, वही कृष्ण चर्चा याद आ रही है, फिर एक प्रतीक्षा है कल कब फिर 3 बजेंगे, मैं पहले पहुंच जाऊंगी, जाकर बैठ जाऊंगी, आसन ले लूंगी अपना, फिर सुनूंगी, फिर क्या रसा स्वादन होगा। कुछ ऐसा भाव चित्त में उठ रहा है तो माने आपको प्रेम होना शुरू हो गया, रसायन बनना शुरू हो गया, आपके भीतर में एक औषधि मिलनी शुरू हो गई है, कसौटी पर चल रहे हैं आप। मैंने लक्षण बताए थे, अचानक सुनते सुनते नेत्र छलक रहे। मंगलाचरण में वेद व्यास जी उस लक्षणों की बात भी करेंगे। भागवत 12 स्कंदों में निरूपित है, 18,000 श्लोक में, 335 अध्याय में, और शुरुआत होती है मंगलाचरण से। स्कंद पुराण के महात्म्य को गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण करते हैं, क्योंकि अगर उसमें प्रवेश करेंगे तो महाराज जी 3 दिन और लग जाएंगे, क्योंकि फिर वृंदावन की लीला का दर्शन भी करना है, उनका आनंद भी खूब लेना है। ब्रज की लीलाएं जो है, वृंदावन की लीला, महाराज एक एक लीला का चिंतन करोगे डूब जाओगे आप एकदम, विभोर गोपिकाओं जैसा भाव चित्त में आ जाएगा। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो, एक ऐसी प्रवृत्ति आपके चित्त में। 3 मंगलाचरण है भागवत जी के, बिल्कुल शुरुआत में वेद व्यास जी का मंगलाचरण है, भागवत के द्वितीय स्कंद के अंदर मध्य में जाकर सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं, और भागवत के विराम पर सुत जी महाराज का मंगलाचरण है। 3 मंगलाचरण का अर्थ है, मंगलाचरण माने उसके मंगल गीत गाओ, गुनगुनाते रहिए, पूरी प्रकृति को देखो जरा गौर से, पूरी प्रकृति गीत गा रही है। सुबह सुबह उठिए, पक्षी चहचहा रहे हैं, किसी वृक्ष के तले जाकर बैठिए, आप अनुभव करेंगे उस वृक्ष से उसका एक एक पत्ता गीत गा रहा है, सारी प्रकृति। ये सूर्य की रश्मियां कुछ संदेश लेकर आती है, ये तारागण कुछ गा रहे हैं, ये आकाश मंडल, ये धरती, ये चलती पवन कुछ गा रही है, कुछ मधुर संगीत उठ रहा है, ये कलकल बहती गंगा की लहरें, ये यमुना महारानी का वेग, ये नदियां, ये झरते हुए झरने,
ये पेड़ पौधे लता पता, ये पहाड़ों की कंदराएं, ये ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वत, इन पर्वतों के ऊपर चढ़ने वाले शिखर पर वो अनंत अनंत पहनने वाली मंदयाचल की धूप की वो सुगंधी, कुछ गा रही है, कुछ सुनने वाला चाहिए, कुछ कुछ संगीत उठ रहा है और एक संगीत हमारे भीतर भी उठ रहा है। देखो एक संगीत बाहर है, समझ लीजिएगा, एक संगीत ये बाहर है, ये बजेगा, मैं कुछ गाऊं, ये बजे, आप खड़े हो जाओ, आप झूमने लगो, नाचने लगो, कोई खास बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। डीजे लगाओ, थोड़ा सा भजन चला लो और नाच लो सब इकट्ठे होकर, हो सकता है, कोई खास बात नहीं है। लेकिन एक संगीत हमारे अंदर भी उठ रहा है, बड़ी गहराई में, बड़ी आत्मा में। एक वेणु जो बाहर बज रही है और एक वेणु हमारे चित्त के अंदर अंतर आत्मा में भीतर बज रही है, हर वक्त बज रही है। कृष्ण बजा रहे हैं, यमुना का तीर भीतर भी है, वृंदावन कहीं भीतर भी है, भीतर भी कुछ आनंद की छटा बिखर रही है। एक ब्यारू प्रभु के प्रेम की भीतर भी बह रही है। कभी उस ब्यारू की ध्वनि को, संगीत को सुनना, कभी भीतर बजने वाली वेणु की सुमधुर संगीता हमारे कानों में एक बार पड़ जाए। लेकिन पड़ेगी कब? जब सदगुरु मेहरबान होता, मुर्शिद निगाह दे दे, मुर्शिद वो कान दे दे, भीतर का संगीत। और सरकार समझ लीजिएगा, जिस दिन ये भीतर का संगीत आप सुन गए ना, फिर बाहर का संगीत थोथा हो जाएगा, फिर बाहर का संगीत फीका हो जाएगा, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गोपिका ने सुन लिया, मीरा ने सुन लिया। देखो महाराज जी, भक्तों की महिमा, सदगुरु महिमा चल रही है, तो आज मीरा जी भी आ गई। और ये वो भक्त है जिन्होंने अंतर की संगीत को सुन लिया। नामदेव जी महाराज भीतर की महिमा सुन ली, भीतर का संगीत सुन लिया, जो भीतर बज रही है। बस इसलिए कथा किस लिए है कि ये 8 दिन पर्याप्त हैं। बैठे बैठे आनंद लेते लेते, थोड़ा बीच बीच में जब मैं बोलूं ना तो आंखें बंद करके भीतर देखो कि भीतर का वो बांस की गांठ खुल रही है कि नहीं खुल रही, बाहर मत देखना। आज 4th दिन है, क्या तुम अनाथ में पहुंच गए? क्या तुम यहां आ गए जहां प्रथम झलक है, जहां पहली बार कृष्ण प्रकट होंगे, जहां पहली बार कृष्ण की माधुरी, जहां पहली बार कृष्ण के चित्तवन, जहां उनके अलकन पलकन, उनके अधन का स्मित स्मित हास्य चित्त चुरा कर ले जाएगा? क्या उस अवस्था में आप पहुंच गए? भीतर झलक देखना, भीतर निगाह मारना, भीतर की ओर प्रवेश करना, थोड़ा सा सुनते सुनते बीच बीच में आंख बंद करके भीतर देखना, एक ऊर्जा उठ रही होगी, एक ऊर्जा का विकास हो रहा होगा। आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही होगी। क्यों? आप विचार करो, यहां बैठे बैठे आप हल्के होने शुरू हो जाओगे, बैठे बैठे आपको परम शांति का अनुभव होने लगेगा, बैठे बैठे प्रभु का नाम प्यारा लगने लगेगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ लीजिएगा आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर विकास कर रही है, छू रहा है भागवत का मंगलाचरण आपको, छू रही है भागवत की शब्द वहिनी आपको, छू रही है भागवत का वांग्मयी स्वरूप आपकी चित्त वृत्ति को संसार से विमुख करके कृष्ण के सम्मुख लेकर जा रहा है। यही तो भागवत का प्रसाद है, यही भागवत का महाप्रसाद है महाराज, कि सुनते 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 बस कुछ और ही हो जाओ। और वो कैसा अनुभव होगा? गुरु कृपाल कृपा जग कीनी, हृदय कमल विगासा, भागा भ्रम दसोदि से सूझेया। भ्रम दूर हो जाएगा, संदेह दूर हो जाएगा, चिंता सब मुक्त हो जाओगे, फिर अंतर की आत्मा की पुकार आप सुन पाओगे, अंदर का मधुर संगीत आप सुन पाओगे, फिर जो होगा एक नृत्य उठेगा। हो सकता है उस अवस्था में जिसको नारद कहते हैं कि मत भक्ति स्तब्धो भक्ति आत्मा रामो भक्ति, आप आत्मा राम हो जाएंगे, मिलन हो जाएगा आपकी आत्मा का, कृष्ण के बीच का जो स्पेस है, जो गैप था वो पूरा हो गया। बस बस देखो गैप ही है, एक स्पेस ही पड़ा हुआ है हमारी आत्मा में और उस परमात्मा में, एक गैप ही है, और भागवत उस गैप को खत्म कर रही है। इतना ही काम भागवत का है। भले वो बात आपको एक शब्द में पल्ले पड़ जाए, अन्यथा नहीं पड़े, मुर्शिद की कृपा ना हो तो अनंत अनंत जन्म आप सुनते रहिए तो भी घटना नहीं घटेगी, और घटेगी तो एक पल में घट जाए। इसलिए थोड़ा संभल कर बैठिए, समय का बहुत अधिक अभाव है हमारे पास। आइए मिलकर मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं भागवत के प्रथम श्लोक में।
जन्मादिसे। एक एक शब्द पर ध्यान। मंगलाचरण का प्रथम श्लोक में वेद, और देखो आज मुझे कई बार क्या होता है, धीरे धीरे पैदल यात्रा चलनी पड़ती है, कई बार गाड़ी में भी जाना पड़ता है, कई बार डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो बाय एयर भी जाना पड़ता है, और कई बार दूरी बहुत ज्यादा हो तो महाराज जी अंतर ध्यान होना पड़ता है, यहां से निकलकर वहीं प्रकट होना पड़ता है, और आज स्थिति ऐसी ही है। या तो हमारे संतों महात्माओं ने केवल महाराज जी मंगलाचरण के सैकड़ों अर्थ किए हैं, सैकड़ों अर्थ। वेद व्यास जी पहले यहां पर वेद सूत्र की बात कर रहे हैं। प्रथम वेद सूत्र क्या है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो शब्द का अर्थ होता है अब मैं ब्रह्म की जिज्ञासा करता हूं। नारद भक्ति सूत्रों की शुरुआत भी इसी शब्द से हुई है, अथातो भक्ति व्याख्या से आमा, अब मैं भक्ति की व्याख्या करता हूं। और गौर कीजिएगा, आज तक इस दुनिया में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है, कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसकी शुरुआत इस शब्द से होती हो कि अब मैं ये करूंगा। अथातो इसकी व्याख्या पर नहीं जाएंगे, फिर समय बहुत अधिक हो जाएगा, लेकिन बड़ी अद्भुत व्याख्या है महाराज। अथातो अब मैं, और अब मैं जब बात करेंगे, अब मैं ये बात करूंगा, इसका अर्थ ऐसे लगता है कि इससे पहले कुछ चल रहा था तभी बीच में कहना पड़ा कि अब मैं ये करूंगा, जबकि ये शुरुआत है, इससे पहले कुछ नहीं है। प्रथम सूत्र वेद का जो है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब मैं ब्रह्म की जिज्ञासा करता हूं। और वेद व्यास जी ने इसी सूत्र को पकड़कर दूसरे सूत्र का निरूपण यहां किया है, और दूसरा सूत्र क्या है उसका कि जन्मादिसे यतः, ये दूसरा सूत्र है, और इसी को पकड़कर व्याख्या की है। और मंगलाचरण में गायत्री भी है, ब्रह्म सूत्र भी है, और दूसरा ब्रह्म सूत्र जन्मादिसे यतो अनव्याद इत्रतस्तः चार्थे शबिक्य सवरात तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य मोयन्ति यत सूर्यः तेजो वारी मृदाम यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दामना स्वेन सदा निस्त कुहकम् सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। जन्मादिस्य का अर्थ होता है जो जन्म भी देता है, जो पालना भी करता है, जो लय भी करता है, अपनी ही तीन विभूतियां प्रकट कर देता है, ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का निर्माण करना, विष्णु रूप में पालना करना, रुद्र रूप धारण के लय कर देना, जो जड़ नहीं है, चेतन है, परिपूर्ण चेतन है। तेने ब्रह्म हृदय या आदि कव्य, तो जगत के विधाता आदि कवि ब्रह्मा को भी ज्ञान दे रहा है, ब्रह्मा को ज्ञान देकर सृष्टि का निर्माण करवा रहा है, जो जड़ नहीं है, परिपूर्ण चेतन है। तेजो वारी मृदाम, तेज का अर्थ होता है प्रकाश, वारी माने जल, मृदा माने मट्टी, प्रकाश में जिससे प्रकाशित हो रहा है, जल कणिका कणिका में जो समाया है, रज के मृदा माने मट्टी, रज के कण कण में जो समाहित है, यत्र त्रिसर्गो मृषा। देखो अर्थ बहुत सारे हैं, मैं फिर कहूँ समय का अभाव है, आज कृष्ण प्रकट होंगे इसलिए थोड़ा सा अंतर ध्यान की स्थिति है, डिस्टेंस ज्यादा है, दूरी वो ज्यादा है, सदगुरु कृपा से तय करके लेंगे। चलते हैं थोड़ा सा मंगल गीत गाते गाते। मंगलाचरण का एक अर्थ होता है जिसके आचरण बड़ा मंगलमयी है, और जिसके आचरण का अनुकरण करने मात्र से जीव का जीवन भी मंगलमयी हो जाता है। तेजो वारी मृदाम यथा विदमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यम परम धीमहि। हमारे एक संत ने अर्थ किया, बोले तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य, जगत का विधाता ब्रह्मा में जिसकी लीला को देखकर भ्रमित हो जाता है,
बोले पांच वर्ष के नंदनंदन पीताम्बरी धारण करते हैं, पुष्पों का श्रृंगार करते हैं, गले में वनमाला धारण करते हैं, अंगराग लगा है, चरणों में नुपुर छमछम बज रही है, सुंदर चित्रकारी कर रहे हैं, चंदन का तिलक धारण कर रखा है, पुष्पों का ताज मयूर पिछ लगाकर और वेणु वादन करते करते जिस वक्त श्री वृंदावन विपिन बिहारी वृंदावन की कुंजों में विहार करते हैं, बाल ग्वाल बालों के संग में खेल रहे हैं और मध्यान का वक्त है और खेलते खेलते प्रभु आए और बैठ गए। अगल बगल में ग्वाल बाल बैठे हैं, बीच में श्री कृष्ण बैठे हैं और भोजन प्रसाद लेने लगे। ब्रह्मा देख रहे हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य, जगत का विधाता ब्रह्मा देख रहा है। ब्रह्मा कौन है? वेदों के विशेषज्ञ, जो बात करेंगे वेद के हिसाब से करेंगे, नियम के हिसाब से करेंगे। बोले वेद कहता है कि भोजन करने से पहले हाथ धोने चाहिए, लेकिन जब देखा श्री कृष्ण कन्हैया को अभी अभी खेलकूद कर आए और अभी अभी भोजन करने लगे तो ब्रह्मा का दिमाग ठनक गया। बोले ये कैसा परमात्मा है, वेद के नियम की उल्लंघना कर रहा है। वेद में खुद ही तो कहते हैं कि भोजन करने से पहले हाथ धोवो, और खुद ही बिना हाथ धोए भोजन करने लगे। दिमाग ठनक गया, बोले ये परमात्मा है। और फिर देखा जब कन्हैया को अपने मुख की जूठन निकालकर मनसुखा को खिला रहे हैं, मधुमंगल की जूठन खुद चाट रहे हैं, तो ब्रह्मा का दिमाग तो ठनक गया। बोले महाराज ये परमात्मा नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये मेरे मन का भ्रम है। जबकि खुद ही स्तुति की थी आगे, सत्य ब्रह्म त्रि सत्यम सत्य नेत्रम, सत्य कहकर संबोधन करते हैं श्री कृष्ण को। लेकिन प्रभु की माधुरी ने, प्रभु की लीला ने ऐसा भ्रमित कर दिया ब्रह्मा को कि कृष्ण की लीला को देखकर ब्रह्मा का मन ऐसा भ्रमित हुआ, बोले ये ब्रह्म नहीं हो सकता, मुझे परीक्षा करनी चाहिए। परीक्षा करने के लिए आए वृंदावन में। भगवान की जितनी गैया बछड़े थी अंतर ध्यान कर दिए, ग्वाल वालों को अंतर ध्यान कर दिया कि अब पता लगेगा दूध का दूध पानी का पानी कि परमात्मा है कि एक साधारण जीव है। कृष्ण तो कृष्ण है, पर वो मुस्कुराए, बोले ब्रह्मदेव हमारी परीक्षा करने आए हैं, तो सुनिए, आप तो सकल विश्व की रचना पांच भौतिक पदार्थों से करते हैं, लेकिन जिस कृष्ण की परीक्षा करने के लिए आए हैं उसे किसी भौतिक पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। वो कृष्ण अपने संकल्प से सृष्टि का निर्माण भी कर सकता है, पालना भी कर सकता है और लय भी कर सकता है। और उसी वक्त कृष्ण ने अपने संकल्प से सृष्टि निर्माण कर दी, जितने बाल ग्वाल थे प्रकट कर दिए, जितने गैया थी प्रकट कर दी, जितने बछड़े थे प्रकट कर दिए, और एक वर्ष तक खुद ही गैया बछड़े बने, खुद ग्वाल वाले बने, वृंदावन में विहार कर रहे हैं। एक वर्ष तक खुद बने। संत महात्मा लोग बड़ी गोष्ठी करते हैं, बोले महाराज कन्हैया ऐसी लीला क्यों करते हैं? बोले पहला कारण, ब्रह्मा का मान मर्दन करना है, अहम हो गया था ब्रह्मा को। और दूसरे, ग्वाल बाल क्यों बने? बोले ये जो वृंदावन की गोपिकाएं हैं ना, ये जब नंदनंदन का दर्शन करती हैं तो इन गोपिकाओं के चित्त में एक भाव पैदा होता है, अगर कन्हैया हमारा लाला हो, हम गोदी में बिठाएं, इसे लाड करें, प्रेम करें, इसे अपना दूध पिलाएं। और आज उन समस्त गोपिकाओं की कामना पूर्ति के लिए श्री कृष्ण ग्वाल बाल बने वृंदावन में विहार कर रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी। एक संत ने कहा ठीक है, बात मान ली कि ग्वाल बाल बने, गैया बन गए, कन्हैया बछड़े बने क्यों घूम रहे हैं? तो एक संत ने कहा, बोले महाराज जब वृंदावन की गैया भी कृष्ण का दर्शन करती है ना, नंदनंदन को देखती हैं, तो इन गैयों के मन में भी भाव आता है कि अगर ये हमारा बछड़ा हो, हम इसे अपने थनों से दूध पिलाएंगी, इसको खूब चाटेंगी, इसको खूब प्रेम करेंगी। आज वृंदावन की गैयों की भाव पूर्ति के लिए भी श्री नंदनंदन बछड़े बने वृंदावन में विहार कर रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी। बोलिए वृंदावन धाम की, ऐसा वृंदावन है। प्रेम की पिपासा देख, देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। निराश न होंगे अब भक्त जन, उनकी कामना हेतु कल्प तरु ही सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। रसिकों के वास हेतु वृंदावन सजाया है।
बोले इन समस्त भक्तों की कामना पूर्ति के लिए नंद नंदन एक वर्ष तक खुद गैया बछड़े बने घूम रहे हैं। बोले क्या अकेले गैया बछड़े ही बने, अकेले ग्वाल बाल बने या कुछ और भी बने बताओ? क्या कन्हैया केवल गैया ही बने, बछड़े ही बने, ग्वाल बाल बने, कुछ और भी बने? कुछ और भी बने क्या? जो ग्वाल वालों ने वस्त्र पहने हैं वो वस्त्र भी कृष्ण ही बने हैं। ग्वाल वाले जो लकुटियां पकड़ रखे वो लकुटियां भी कृष्ण ही बने हैं। जो सिंगी जो जो यंत्र साथ में लेकर आए थे सब कुछ कृष्ण ही बने हैं। जब सृष्टि निर्माण करेंगे तो पूरा करेंगे, अधूरा थोड़ी ना करेंगे। एक वर्ष तक लीला चलती रही, एक वर्ष बाद ब्रह्मा आए। अब देखो दूध का दूध पानी का पानी। और जब आए वृंदावन में वही गैया वही बछड़े वही ग्वाल बाल, रो पड़े ब्रह्मा, बहुत रोए ब्रह्मा, बहुत रोए। और भागवत के दशम स्कंद में 40 श्लोक में ब्रह्मा स्तुति करते हैं श्री कृष्ण की। खूब मनाया प्रभु को, समझ गए मैंने ठाकुर जी के मन को आघात दिया है, क्षमा मांग रहे हैं। वृंदावन की रज में ब्रह्मा लोटपोट हो रहे महाराज जी, और रो रो कर ब्रह्मा ने कहा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। वो ब्रह्मा वो आदि कवि कह रहा है, हे नंदनंदन, हे श्याम सुंदर, हे कृपालु, हे वृंदावन विहारी, एक अर्ज सुन लीजिए, ये ब्रह्म पद किसी और को दे दीजिए, अब नहीं चाहिए। ब्रह्मा कह रहे हैं गोविंद ये ब्रह्म पद किसी और को दे दीजिए, और मुझे तो अपने वृंदावन का कुछ छोटा सा ग्वाला बना लीजिए जो नित्य प्रति आपकी सेवा में रहा करे। ये ब्रह्मा ने मांगा यहाँ पर वृंदावन में आने के बाद, प्रभु मुझे अपना कोई ग्वाला बना लीजिए बस। प्रभु ने क्षमा नहीं किया था ब्रह्मा को, किस लिए? क्योंकि ब्रह्मा ने एक वर्ष के लिए भगवान के ग्वाल बालों को गैयों बछड़ों को कृष्ण से अलग किया था। बात समझिएगा, प्रभु कहते कोई भी क्यों ना हो, भले कितने बड़े पोस्ट पर क्यों ना हो, कितनी बड़ी डेजिग्नेशन तुम्हारी क्यों ना हो, लेकिन जो व्यक्ति मेरे भक्तों को मुझसे अलग करने की चेष्टा करता है वो मेरी कृपा का पात्र नहीं हो सकता, भले वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, वो मेरी कृपा का पात्र नहीं हो सकता। इसलिए भगवान की परीक्षा करने का शौक हो तो भले कीजिए, लेकिन जीवन में कभी किसी भक्त की किसी संत की परीक्षा करने का दुस्साहस कभी नहीं करना चाहिए, वो प्रभु को सहन नहीं है, वो भगवान नहीं सहते। आज भक्तों के प्रति ब्रह्मा से अपराध हुआ है। और महाराज जी संतों से मैंने सुना है कि उसी अपराध की क्षमा के लिए जब ब्रह्मा ने मांगा था कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, अपराध मुझसे हो गया, अब तो भक्तों की गीत गाऊंगा, भक्तों की महिमा गाऊंगा, आपके चरणों में रहा करूंगा, तो वही ब्रह्मा कलिकाल में नाभाजी के रूप में प्रकट होकर आए। और फिर नाभाजी के रूप में प्रकट होकर उन्होंने ही भक्तमाल की रचना की है। ये जितनी महिमा भक्तमाल में गाई गई है ये ब्रह्मा ने ही नाभाजी का रूप धारण करके फिर अपनी वही भूल जो अपराध हुआ था द्वापर में कृष्ण चरणों के प्रति भक्तों के प्रति फिर खूब गाया, फिर खूब भक्तों की महिमा गाई। तब ब्रह्मा ने ही प्रथम दोहे में कहा था भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। तब ब्रह्मा ने कहा था, बोले जो एक बार भक्तों के चरणों का आश्रय ले ले, जो एक बार सदगुरु के चरणों का आश्रय ले ले महाराज, उसके एक जन्म छोड़िए अनंत अनंत जन्मों के पाप दुख कर्म कष्ट सब जलकर भस्मीभूत हो जाते हैं, चित्तवृत्ति निर्मल हो जाती है, पवित्र जीव हो जाता है। आगे गोपिकाएं विनती कर रही है मंगलाचरण में, तेजो मारी मृदाम यथा विनमयो, विनती कर रही है हे गोविंद हे नाथ। एक विनती है हमारी, श्याम सुंदर बोले कहो गोपिका क्या विनती है? मोहन हमारे मधुवन में तुम आया ना करो, आओ तो फिर मीठी मीठी बांसुरी बजाया ना करो। ये गोपिकाएं विनती कर रही हैं, तेजो वारी मृथाम यथा विनमयो, सरकार विनती है हमारी आप आइए तो बांसुरी मत बजाया कीजिए। बोले क्यों गोपिका? बांसुरी बजने की आ करो, बांसुरी बजेगी वेणु की ध्वनि उठेगी इसका प्रसाद आएगा तो तुम्हारा चित्तवृत्ति निर्मल हो जाएगी, जो तुम भोजन बनाती हो ना वो महाप्रसाद हो जाएगा, और जो जो भोजन चखेगा उसकी चित्तवृत्ति निर्मल हो जाएगी। गोपिकाएं कहती है महाराज भोजन तो तब बनाएंगी जब आपकी वेणु सुनने के बाद भोजन बनाने के लायक तो रहे,
इसको सुनने के बाद तो होश नहीं रहती, तो भोजन कैसे बना है? इसलिए विनती है हमारी, तेजो बारी मृदाम यथा विनम्य, यत्र त्रिसर्गो मनीषा। त्रिसर्ग माने ठाकुर जी के प्रमुख तीन धाम हैं, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा जी, श्रीधाम द्वारिका जी। और तीनों धाम में ठाकुर जी का अपना अपना परिकर है। श्रीधाम वृंदावन में भगवान की गोपिकाएं, ग्वाल बाल, गैया बछड़े, ये ठाकुर जी का परिकर है। मथुरा में अक्रूर जी, उद्धव जी महाराज, ये ठाकुर जी का परिकर है। और द्वारिका जी में 16108 रानियां, ये ठाकुर जी का परिकर है। और जहां भी कृष्ण जाएंगे, अब समझ लीजिए, जहां कृष्ण जाएंगे अकेले नहीं जाते, अपने परिकर को साथ लेकर जाते हो। अब मुझे बुलाओगे, अकेला थोड़ी आता हूं, पूरा टब्बर नाल आएगा, पूरा परिकर साथ आएगा। तो इसलिए जब कृष्ण भी आएंगे तो अकेले नहीं आते, पूरा परिकर। भागवत के रूप में जब श्री कृष्ण विराजमान होते हैं तो एक बात समझ लीजिए, आप अकेले नहीं हो जो सुन रहे हो। और इसी स्थान पर कृष्ण के साथ साथ भगवान की सहस्त्र सहस्त्र गोपिकाएं, गैया बछड़े, ग्वाल बाल, 16108 रानियां, इस भारत के अनंत अनंत तीर्थ क्षेत्र, पवित्र नदियां, साधु महात्मा, आज तक जितने जितने भक्तगण हुए हैं, जहां जहां भागवत का महाप्रसाद बढ़ता है, ये समस्त भक्त संत महात्मा उस स्थान पर प्रकट हो जाते हैं। दृष्टि चाहिए, इसलिए थोड़ा बार बार कहते हो संभल कर बैठो, ये सब आए हुए हैं यहाँ पर और ये सब आपको आशीर्वाद ही देकर जाएंगे, सब आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि जब वो आशीर्वाद देने लगे, आप पर करुणा भरी नजर करने लगे, और कई लोग पीछे बैठे होते हैं ना, पीछे कथा चलते चलते वो अपना मोबाइल चला रहे होते हैं, उन्हें लगता है कौन सा दिख रहा है। कई लोगों को बीच में लगता है, बीच में चुपके चुपके चला लो, कौन सा पता लग रहा है। मैं एक बात स्पष्ट कह दूं, हमारे रसिकाचार्य एक बात कहते हैं, बोले हमारे बांके बिहारी जी की निगाह ना एक्सरे मशीन है, एक्सरे मशीन अंदर तक झांक कर देख लेगी तुम क्या कर रहे हो। ये जो बाहर बैठे चुपके चुपके थोड़ा साइड पर होकर चलाते हैं ना, थोड़ा सावधान हो जाइए। किस लिए बोल रहा हूं, बड़ी करुणा बरसती है यहाँ, बड़ी करुणा, क्योंकि ये व्यासपीठ करुणामयी सरकार श्री राधे रानी जी की है, और वो है ही बरसाने वाली, खूब बरसाएंगी। और ऐसा ना हो कहीं वो बरसा रही हो, खूब आनंद दे रही हो, और आपका मन कहीं और अटका हुआ हो। इतना सौभाग्य वो आपको प्रदान कर रही है, और दुर्भाग्य ना हो जाए कि जब वो लुटाने लगे, आपको कुछ देने लगे, और आपकी चित्तवृत्ति कहीं और चली जाए। थोड़ा समझ जाइएगा, संभल कर बैठिएगा, अंतर मन प्रभु के चरणों में हो बस। इसलिए प्रभु जब आएंगे, और वेद व्यास क्या कहते हैं कि धामना स्वेन सदा नृस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। सत्य कहकर संबोधन किया, किस लिए? कृष्ण भी कहा जा सकता था, राम भी कहा जा सकता था, किसी देव देवता का नाम नहीं लिया, कोई नाम नहीं लिया, सत्य कहकर बात की। बोले मैं उस परम सत्य को नमन करता हूं। सत्य क्यों कहा? क्योंकि देखो भगवान की पांच चीजें सत्य हैं, नित्य हैं। मैंने कल कहा था, पहली भगवान का नाम, ठाकुर जी का रूप, ठाकुर जी का लीला, भगवान का धाम और भगवान के भक्त, ये भी नित्य हैं, ये भी नित्य हैं। अगर वो कृष्ण परम धीम ही कहेंगे तो कृष्ण कहने से कृष्ण का नाम सत्य, ये बात प्रमाणित हो गई। कृष्ण का रूप सत्य, ये भी प्रमाणित हो जाती है। कृष्ण की लीला और धाम सत्य, ये भी प्रमाणित हो जाएगी। लेकिन भक्त नित्य है, इस पर संदेह हो जाएगा। भगवान तो सदा थे, सदा हैं, सदा रहेंगे, लेकिन क्या भगवान के भक्त भी सदा थे, सदा हैं, सदा रहेंगे? ये बात कैसे प्रमाणित होगी? तो वेद व्यास को कहना पड़ा, सत्यम परम धीमहि। अकेले कृष्ण नहीं, कृष्ण के भक्त भी नित्य है। आप आज यहां बैठकर कृष्ण कथा सुनिए तो यकीन मानिए, जितनी दिव्यतम आत्माएं आज तक प्रकट हुई हैं वो सब यहां पर है। इसका रसास्वादन सभी करते हैं, हाँ आप अनुभव कर पाते हैं कि नहीं पाते ये अलग बात है, लेकिन उनका आनंद, उनका आशीर्वाद सब पर बरसता है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए जीवन ही सुधर जाए। इसलिए प्रथम श्लोक में भागवत जी का ध्यान है, दूसरे श्लोक में भागवत जी का गान है, द्रमः प्रोजित केतव तत्र परमो
निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्वमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोनमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वृद्धे तत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्ततक्षणात् निगम कलप्तरोर्गलितं फलं शुकमुखादमितद्रवसयुतं पीबत भागवतं रसमाल्यं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। निगम कलप्तरो और गलितम फलम, समस्त वेदों का शास्त्रों का पका हुआ फल भागवत है जो धरती पर आया है। शुक मुखात मित द्रव संयुतम, शुकदेव जैसे परम संत ने इस भागवत को चख लिया है। पीबत भागवतम रसमाल्यम मुह रहो रसिका भुवि भावुकः। एक संत ने कहा, बोले गुरुदेव एक बात बताइए, आप कहते हैं कि भागवत पका हुआ फल है जो धरती पर, देखो फल पक जाएगा तो धरती पर गिर जाता है अपने आप, पकने के बाद फल अपने आप पेड़ से धरती पर गिर जाएगा। तो संतों ने कहा, गुरुदेव आप ये कहते हैं कि भागवत पका हुआ फल है और धरती पर आ गया है, तो अगर फल गिर जाए तो गिरने से फल टूट भी सकता है, पिलपिला भी हो सकता है, आप बताइए आपका ये फल पिलपिला हो गया या टूट गया? वेदव्यास ने कहा नहीं, ये सुरक्षित है। बोले सुरक्षित कैसे? बोले सीधा नहीं आया। बोले फिर? बोले नारायण के मुखारविंद से प्रकट निश्रित होकर ब्रह्मा की शाखा पर गया है, ब्रह्मा की शाखा से नारद जी की शाखा पर आया है, नारद की शाखा से फिर वेद व्यास की शाखा पर गया, वेद व्यास से सुखदेव जी की शाखा पर आया है, सुखदेव जी के माध्यम से प्रक्षित से होता हुआ सकल विश्व में यह महाप्रसाद गया है, इसलिए शाखा दर शाखा आया है, सुरक्षित है। चलो ये बात मान लेते हैं कि आपका फल सुरक्षित है, लेकिन कोई भी फल होता है, अब आम हो पक जाए तो आम में खटास तो हो सकती है ना, तो क्या आपके इस फल में खटास है? दूसरी पंक्ति में वेदव्यास कह रहे हैं, शोक मुखाद मित द्रव संयुतम। ये लोक मान्यता है कि जिस फल को तोता चख ले डॉक्टर साहब वो कैसा होता है? बोलो मीठा। कैसा होता है? मीठा। और भागवत रूपी फल को भी किसने चखा है? शुक मुखादमित द्रवसयुतम, शुक देव जैसे परम संत ने इस भागवत के फल को चख लिया है, और शुकदेव के चखने के बाद भागवत मीठी हो गई, रसीली हो गई, इसका अधिकारी हर जीव हो गया। तीसरी पंक्ति में फिर संतों ने प्रश्न किया, बोले महाराज चलो ये बात भी मान ली, आपका फल पका हुआ है, इसमें कोई खटास नहीं है, लेकिन मान लो फल हो, फल में छिलका भी होता है, फल में गुठली भी होती है, अब आम है तो आम में छिलका भी है, आम में गुठली भी है, माने कुछ ऐसी वस्तु है जिसे छोड़ना पड़ेगा, जिसे त्यागना पड़ेगा, तो आपके इस फल में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका परित्याग करना पड़े? तीसरी पंक्ति में वेदव्यास उत्तर दे रहे हैं, बोले महाराज ये फल तो है लेकिन इसमें कोई गुठली नहीं, कोई छिलका नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको त्याग ना पड़े। बोले फिर इसमें क्या है? पीबत भागवतम रसमाल्यम। बोले इसमें रस ही रस है, आम तो है पर गुठली और छिलके वाला नहीं, माजा है माजा, पियो खूब आनंद से। बोलो वृंदा बिहारी खूब पियो, एक भी बूंद छोड़ दी नहीं है। पीबत भागवतम रसमाल्यम। और चौथी पंक्ति में वेद व्यास जी ने अब आवाहन किया, बोले कौन लोग सुनने के अधिकारी हैं? मुहु रहो रसिका भुवि भावुकः। एक तो मुहु रहो माने बार बार सुनिए, एक बार नहीं बार बार सुनिए। बोले बार बार क्यों सुनिए? बोले जैसे धान है, अब धान को एक बार कूटोगे तो चावल बाहर नहीं आता, उसे बार बार कूटना पड़ता है, बार बार कूटने से वो जो चावल बाहर आ जाएगा। बोले इसी प्रकार जीव के ऊपर भी ना जाने कितने जन्मों की इस माया की परत जमी हुई है, बड़ी मोटी है, एक बार सुनने से कई बार उतरती नहीं, बार बार सुनिए, बार बार सुनने से क्या होगा, ये ऊपर की परत उतर जाएगी और विशुद्ध जीव बाहर आ जाएगा और वो अधिकारी हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी। और किसका वाहन किया? कि रसिका भुवि भावुकः, ये दो शब्द प्रयोग किए, रसिक जन और भावुक जनों की कथा है ये, रसिक जन और भावुक। रसिक कौन और भावुक कौन? देखो कथा सुनते सुनते दो स्थितियां होती हैं, या तो कथा सुनते सुनते आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, पड़ोसी को देखकर नहीं, कथा सुनते सुनते इतना मगन हो गए, डूब गए, चेहरे पर मुस्कुराहट, हंसते हंसते सुन रहे हो आप,
तीन घंटे बैठे हो, मुस्कुराते मुस्कुराते चेहरे पर खुशी और सुन रहे हो। एक तो ये स्थिति होगी, दूसरी स्थिति क्या होगी कि सुन रहे हो और अंखियां चमचम बरस रही हैं, आंखें नित्र बरस रहे हैं। इसके अलावा कुछ तीसरी स्थिति हो तो महाराज वो मुझे पता नहीं, वो होती भी नहीं है कथा में। ये दो स्थितियां हैं, मुस्कुराना या आंखें बहाना। अगर आप मुस्कुराकर सुन रहे हो तो माने आप रसिक हैं, और अगर आप अखियां बरसाकर सुन रहे हो तो माने आप भावुक हैं, और अगर आप मुस्कुराकर सुनते हो आप रसिक हो तो माने आप पर श्री कृष्ण की परम कृपा है, और अगर आपकी अखियां बरस रही हैं छमछम बरसते बरसते आप कथा सुन रहे हो माने आप भावुक हो तो माने आप पर प्रत्यक्ष हमारी राधा रानी जी की कृपा है, उस पर राधा रानी जी की कृपा है। और प्रिया प्रीतम की कृपा के बिना, सदगुरु कृपा के बिना कोई आ भी नहीं सकता। तुद पामे ता नाम जपामे सुख तेरा दित्ता लईए, सुख तेरा दित्ता लईए। और फिर वेद व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण करके प्रवेश किया प्रभु का स्मरण करके। अभी तो प्रथम स्कंद में प्रवेश किया है हमने, कृष्ण दसम स्कंद पर बैठे हैं। महाराज जी दूरी बहुत बड़ी है, ऊपर बिल्डिंग है, छत पर हम नीचे खड़े हैं, सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी के दो ही पाए हैं, चढ़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो भक्त पूछता है प्रभु तुम ऊपर खड़े हो मैं नीचे हूं, और मुझे लगता नहीं मैं चढ़ जाऊंगा, मुझे लगता नहीं कि मैं ये पार कर लूंगा दूरी और चढ़ जाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ सरकार, इस पर केवल चढ़ा ही जाता है या इससे उतरा भी जाता है? भगवान ने कहा उतरा भी जाता है, तो प्रभु मैं चढ़ने के काबिल नहीं हूं, आप ही उतर कर आ जाइए। मैं प्रथम से दसम तक नहीं पहुंच सकता, आप दसम से प्रथम तक मेरे तक पहुंच जाइए, आप ही आ जाइए। दूरी दूरी तय हो जाएगी, थोड़ा आप चलिए थोड़ा हम चलते महाराज। और वैसे भी मैंने सुना है कि हम एक कदम चले वो हजार कदम आता है, मैं एक ही चल लेता हूं, आप हजार ही आ जाए, क्योंकि मेरी समर्थता ज्यादा नहीं है महाराज, हम एक ही चल लेंगे, तुम हजार ही आ जाना। और तब वेद व्यास शुरू करते हैं, सुखदेव जी का चिंतन भी यहाँ पर हुआ है, जो द्वितीय श्लोक में भी हुआ था महात्मा में, यहाँ पर भजन तम अनुपेत वेद कृत्यम दपायनो विरे कातर आज भाव। फिर नारायण की स्मृति की, नारायणम नमस्कृते नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदीरेत। नारद जी का आशीर्वाद मिला वेद व्यास जी को, सतारा पुराण 18 महाभारत जी का काव्य लिखा, चार वेदों की 1100 उपशाखाएं बना दी वेद व्यास जी ने। मन तृप्त नहीं था, मन शांत नहीं था, मन में अभी भी उदासी थी, खिन्नता थी, क्या करूं क्या ना करूं। देखो जब मन में भटकाव हो तो कहीं मत जाना, केवल सदगुरु के चरण जाके पकड़ लेना, बस वो पार कर देगा। उदास थे वेद व्यास, सरस्वती के तट पर बैठे थे, मन खिन्न था, नारद जी का प्रवेश हो गया। नारद जी आए, परम सदगुरु हैं, वेद व्यास को दुखी देखा, पूछ लिया, बोले महाराज जानता हूं मैं, संत उदास होगा तो जन कल्याण के लिए होगा, बताइए क्या सोच रहे हैं। अपने मन की सारी बात आगे रख दी, गुरुदेव से स्पष्ट कर देना, छिपाना मत। बीमारी हो तो डॉक्टर के सामने जाकर छिपाओगे तो इलाज नहीं करवा पाओगे, सदगुरु के सामने जाइए, सदगुरु पूछ रहा हो तो छिपाना नहीं, गुप्त मत कर लेना, रहस्य प्रकट कर देना, सदगुरु की कृपा हो जाएगी, करुणा हो जाएगी। मेरे सदगुरु जी तुझ कृपा करो, मैं दर तेरे ते आए, मेरे कर्मा वल ना देखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हूं, मेरे कर्मा वल ना वेखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई, जो दर तेरे ते आ जांदा वो असल खजाने पा जांदा, जो दर तेरे ते आ जांदा वो असल खजाने पा जांदा, जो दर तेरे ते आ जांदा
असल खजाने पा जांदा जो दर तेरे ते आ जांदा ओ असल खजाने पा जांदा मैनू भी खाली मोड़ियो ना मैनू भी खाली मोड़ियो ना मैं दर ते आस लगाई हुई आ मेरे कर्मा वल ना वेखियो जी मैं कर्मा तो शर्माई मेरे सदगुरु जी तुसी मेहर करो गालो मेरे सदगुरु जी तुसी मेहर करो मैं दर तेरे ते मेरे सदगुरु जी तुसी मेहर करो मैं दर तेरे ते आई हुईयां मेरे कर्मा वल ना वेखियो जी मैं कर्मा तो शर्माई तुसी तारण हार कहंदे हो डुबियां नू बन्ने लांदे हो तारण हार कहंदे डुबियां तुसी तारण हार कहंदे हो डुबियां नू बन्ने लांदे हो मेरा भी बेड़ा पार करो मेरा भी बेड़ा पार करो मैं भी दुख यारण आई होइया मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो मैं दर तेरे असल खजाने पा जांदा दर तेरे ते आ जांदा ओ असल खजाने पा जांदा जो दर तेरे ते आ जांदा असल खजाने पा जांदा जो दर तेरे ते आ जांदा ओ असल खजाने पा जांदा मैनू भी खाली मोड़ियो ना मोड़ियो ना मैं दर ते आस लगाई होइया मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो मैं दर तेरे वेद व्यास अप्रसन्न थे दुखी थे नारद सन्मुख आए मन की बात कहती बोले इतने पुराण इतना काव्य रचना की वेद की इतनी उपशाखाएं बनाई लेकिन ये ज्ञान तृप्त नहीं कर पा रहा और जो मेरे मन को तृप्त नहीं करेगा वो संसार को क्या तृप्त करेगा
इतनी ज्ञान की रचना मैंने संसार को तृप्त करने की जीव का कल्याण हो पाए, लेकिन कलिकाल के जीव का कल्याण हो कैसे पाएगा। और तब नारद जी ने सूत्र क्या दिया, यद लब्धवापमान सिद्धो भवती अमृतो भवती तृप्तो भवती। आपने ज्ञान की चर्चा तो की है, लेकिन जब तक इस घट के अंदर श्री कृष्ण के प्रेम की चर्चा नहीं होगी, जब तक श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन नहीं करोगे, उनका चिंतन नहीं करोगे, मन तृप्त नहीं हो पाएगा। केवल एक साधन है, केवल एक यही है जिनकी प्राप्ति करने के बाद शोको न भवती, शोक नहीं होगा, किसी प्रकार का भौतिक अवस्थाओं के प्रति उत्साह नहीं होगा, जीव आनंद में चला जाएगा, क्योंकि इनका नाम, इनका रूप, इनकी लीला अमृत स्वरूप है। वो आपके चित्त को अमृत कर देगी, वो आपको सिद्ध कर देगी, वो आपके अंतर आत्मा को तृप्त कर देगी। आप भागवत की बात करिए और देखो कितना कुछ वेद व्यास ने कहा, लेकिन जिस दिन भागवत की रचना की उसके बाद फिर कुछ और नहीं कहना पड़ा, माने भागवत विश्राम हो गया, विराम हो गया मन का। अनंत अनंत जन्मों की विश्रांति श्री कृष्ण के चरणारविंद है। आप कहीं भटक लीजिए, लेकिन जिस दिन हमारे मन को ठोर मिलेगी तो वृंदा विपिन बिहारी के चरणों में ही मिलेगी, कृष्ण के चरणों में ही मिलेगी। ये बात आज समझ आ जाए, कभी किसी और वक्त में आ जाए, किसी और जन्म में आए, लेकिन जिस दिन मन की विश्रांति होगी श्री ठाकुर जी के चरण ही होंगे, श्री राधा रानी के चरण ही होंगे। तभी तो संत बार बार कहते हैं मना भूल मत जइयो श्री राधा रानी के चरण। ये चरण की बड़ी महिमा है, भगवान के दो चीजों की बड़ी महिमा, मुखारविंद और चरणारविंद। और मुखार और चरणार में भी चरणारविंद की महिमा और अधिक है, और चरणारविंद में भी ज्यादा चरणों के नीचे के रज की महिमा और भी अधिक है। श्री गुरु चरण सरोज रज, चरण नहीं चरणों की भी रज, एक कणिका भी मिल जाए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुहाए। सदगुरु का प्रसाद मिला तो वेद व्यास जी के अंतर चित्त से भागवत प्रकट हुई है, ये समाधि भाषा है। किसी लेखक की तरह, कवि की तरह कविता दिमाग से कल्पना करके कुछ लिखा नहीं गया, जो चित्त के अंदर था, अनंत अनंत कल्पों के अंदर जो जो प्रभु लीला करते हैं वो सन्मुख प्रकट हो गई। लेकिन कब हुई, मूल में सदगुरु है, सदगुरु ना होता तो फिर ये मुर्शिद निगाह ना देता, ये दिखता ना, ये ज्ञान प्रकट ना होता, ये प्रेम रस प्रकट ना होता। जब संत कृपा करता है, जब सदगुरु कृपा करता है, तुद पावे ता नाम जवावे सुख तेरा दित्ता लइए, राम राय मेरे राम राय। सदगुरु जब तू कृपा करता है तो फिर ये करुणा सदगुरु की तो है। आप मैं इकट्ठे मिलकर यहाँ भगवत गुणानुवाद सुन रहे हैं, रस ले रहे हैं, किसके बल पर? हिरण्याक्ष प्रहलाद से कहते हैं, बोले तू बड़ी बकबक करता है, बड़ा बोलता है तू मेरे सामने। बोले किसके बल पर बोलता है तू? प्रहलाद मुस्कुराकर कहता है, डॉक्टर साहब, बोले जिसके बल पर तुम बात करते हो मैं उसी के बल पर कर रहा हूं। आपके अंदर बोलने की समर्थता भी वही देता है और मुझ में साहस की समर्थता भी मेरा हरि ही देता है। किसी में क्या औकात है कुछ दे पाए? बोले सदगुरु मेहर करता है तो बनता है। गुरु कृपाल कृपा जब कीनी हृदय कमल विलास, जब वो कृपा करता है, जब वो करुणा करता है तो ये रस बरसता है। और फिर प्रकट हुई भागवत, महाभारत से प्रारंभ किया, देवकी के द्रौपदी के पांच पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने किया, ब्रह्मास्त्र का संधान उत्तरा के गर्भ पर किया, पांडवों का अंतिम वंशज उत्तरा समझ गई किसी ने ब्रह्मास्त्र चलाया है जो मेरे गर्भ को नष्ट कर देना चाहता है, क्या करूं, मन व्यथित हो गया, शरीर कांपने लगा, किसकी शरण में जाऊं। माँ कुंती के शब्द याद आए, उत्तरी ध्यान रखना, जीवन में कभी व्यथा आए, विक्षिप्तता आ जाए, कहीं मत जाना, भटकना मत, तू मेरे कृष्ण की शरण में जाना, वो तेरा संरक्षण कर लेंगे। बात याद आई, उतरा दौड़ी, और दौड़ी कहाँ, श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर द्वारका की ओर जा रहे थे, भीड़ लगी हुई थी, भीड़ को चीरती हुई उतरा आई, चरणों में गिर पड़ी, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, स्तुति निकल पड़ी, हे जगतपति, हे जगदीश्वर, हे मधुसूदन, हे वृंदावन बिहारी, किसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया है जो मेरे गर्भ को नष्ट कर देना चाहता है, करुणा कीजिए, कृपा कीजिए।
ये ब्रह्मास्त्र भले मुझे खत्म कर दे, लेकिन पांडवों के वंशज की रक्षा आप कीजिए। आहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तव दवयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, अभिद्रवति मामीश श्रस्ततापय सो विभो, कामं दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। बोले रक्षा कीजिए गोविंद। और आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जैसे उत्तरा ने वा विभोर होकर प्रार्थना की, आनंद कंद वृंदावन बिहारी क्या रूप धारण किया, एक सूक्ष्म रूप धारण करके हाथ में कुमोद की गदा लेकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और ब्रह्मास्त्र को काट के फेंक दिया। बोल वृंदावन बिहारी। आज तक इस हिंदुस्तान में कितनी ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने अपने गर्भ में परमात्मा को धारण किया है। माँ कौशल्या राम जी को धारण करती हैं, माँ देवकी कृष्ण को धारण करती हैं, माँ अदिति वामन भगवान को धारण करती हैं। और कितनी ऐसी माताएं हुई हैं जिन्होंने अपने गर्भ में भक्तों को धारण किया है। माँ मदालसा, माँ सुनीति अपने गर्भ में ध्रुव को धारण करती हैं, कयादु भक्त शिरोमणि प्रहलाद को धारण करती हैं। लेकिन भारत की ये पहली महिला है उत्तरा जिसके गर्भ में आज दोनों हैं, भक्त भी है और भगवान भी है। भक्त राज परीक्षित हैं और अनंत कोटि ब्रह्मंड के राजा अधिराज श्री वृंदावन बिहारी भी आज उत्तरा के गर्भ में है। ये प्रभु की भक्त वत्सलता है, ये प्रभु की करुणा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। उत्तरा के संताप का हरण कर लिया श्री कृष्ण ने और रथ चलने लगा। कुंती माँ सन्मुख आ गई और आज माँ कुंती स्तुति कर रही है। नमस्ते पुरुषम तव मध्यमीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम। कुंती रिश्ते में कृष्ण की बुआ लगती है और आज तक श्री कृष्ण प्रणाम करते हैं और कुंती आशीर्वाद देती है, आज उल्टा हो रहा है। रथ पर कृष्ण सवार है, सामने माँ कुंती हैं, हाथ जोड़कर खड़ी हैं, स्तुति कर रही हैं। कृष्ण मुस्कुरा रहे, बोले माँ मैं तो पुत्र हूं। पुत्र नहीं है आप, आज तक इसी भ्रम में आपने रखा हमें, यही माया जगड़े रही हमें कि आप पुत्र हैं, पुत्र हैं, पुत्र हैं, पुत्र नहीं है, पिता हैं आप, पिता नहीं जगत पिता हैं आप, जगदीश्वर हैं। और आज आपकी माया मुझ पर असर नहीं कर पाएगी प्रभु, बहुत माया डाली आपने, बहुत माया प्रभाव डाला आपने, लेकिन आज आपकी माया असर नहीं कर पाएगी क्योंकि जानती हूं कि मेरे सामने कौन खड़ा है। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम्। जो अघट घट वासी सर्वव्यापक सर्वत्र है, जहां तक देखती हूँ आप ही आप है। अनंत आकाश में आपके सिवा कुछ नहीं है, सूर्य की रश्मिया में, चंद्रमा की शीतलता में, इस चलती वेग में, पवन में, इस लता पता में, बाहर जहां तक देखती हूँ आपके सिवा कुछ नहीं है। और जब नेत्र बंद करके भीतर झांकती हूँ तो भीतर भी अनंत तक कृष्ण आपके सिवा कुछ नहीं है। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम्। बोले आप मेरी स्तुति क्यों कर रही हैं? जानते हो जब तुम बहुत छोटे थे, कुंती कहती हैं, मैं अपने भैया वसुदेव जी को मिलने गई थी मथुरा में, और तब वसुदेव जी ने कहा था कुंती आई हो तो चलते चलते गोकुल चली जाना, और गोकुल में जो नंद बाबा के दो छोरा है ना वो मेरे ही है, तो एक बार उनको देख लेना। और कहते तब कुंती आई थी, बोले मैं गई थी कन्हैया गोकुल में, क्या छवि तुम्हारी, 3 वर्ष की तुम्हारी आयु, यशोमती मैया हाथ में छड़ी लेकर पीछे पीछे जा रही थी, तुम आगे नंगे पग जा रहे थे। सकल विश्व का भय जिस गोविंद से भयभीत होता है वो वृंदावन बिहारी यशोमती मैया की छड़ी के डर के मारे नंगे पग आगे आगे दौड़ रहे। जब मैंने देखा था तुम्हें, देखकर दिल ने अनुभव कर लिया था ये कोई और नहीं है, साक्षात पुरुषोत्तम आया है, साक्षात जगदीश्वर आया है। लेकिन प्रभु फिर आपकी माया असर कर देती है, हम जी भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन कन्हैया याद रखना, आज आपकी माया असर ना कर पाएगी क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं होश में हूँ आज कि मेरे सामने पुत्र नहीं खड़ा, आज परमात्मा खड़ा है, मेरा कन्हैया खड़ा है। और स्तुति कर रही है माँ, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमा पंकज नाभाये, नमा पंकज मालिने, नमा पंकज नेत्राये। क्या मंगल स्तुति करती है कन्हैया। कहते मैया अब देखो, भगवान तो भगवान है,
बोले कहेंगे कुछ मांग लो, क्या चाहिए? अब बोले प्रभु आवश्यकता क्या है? जिसके आप हो गए उसको क्या आवश्यकता है संसार की? नहीं मां, मेरा मन है कुछ कह दो। और क्या विचित्र मांग की महाराज कुंती मां ने, वो मांग लिया जो आज तक संसार में किसी व्यक्ति में साहस ही नहीं मांगने का। कुंती कहती है, सुनिए सरकार, मैं तो मांग लूंगी, क्या आप में देने की समर्थता है? मांगो मां, क्या चाहिए? कुंती कहती, सुनो कन्हैया, बिबदा संतो नहा शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यतस्याद पुनर्भव दर्शनम। और ये शब्द सुने तो कृष्ण हिल गए, नेत्र सजल हो गए। जब कुंती ने कहा प्रभु देना है तो दुख देते रहिए, कष्ट देते रहिए, ये विपत्तियां देते रहिए। बोले क्यों, किस लिए? क्या आज तक कष्ट कम था? क्या आज तक दुख कम था जो आज भी तुम दुख ही मांग रही हो? बोले बोले प्रभु मैंने एक अनुभूति की है अपने जीवन की। क्या? मेरे जीवन में बहुत कष्ट आए, बालपन में कष्ट आए, मैंने अनुभव किया तुम मेरे साथ थे। भीम को विष देकर नदिया में फेंक दिया गया, तुम आए थे बचाने के लिए। लाक्ष्य ग्रह की अग्नि में जलाकर भस्म करने का षड्यंत्र किया गया, तुम आए थे कन्हैया बचाने के लिए। दुर्वासा जी की क्रोध अग्नि से बचाने के लिए कृष्ण तुम आए थे। अभी अभी उत्तरा के गर्भ को कुछ कुछ था दिक्कत, मैं जानती, मैंने अनुभूति की है, लेकिन तुम संरक्षण करने वाले थे। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव 11 अक्षौणी सेना, पांडव गिनती के 7 अक्षौणी, लेकिन फिर भी पांडव को दिग्विजय बनाने वाले कन्हैया तुम ही तो थे। मैंने देखा मेरे जीवन में दुख आए, कष्ट आए, लेकिन जब जब जीवन में दुख आए हैं, संसार मेरे साथ हो कि ना हो, लेकिन अनुभूति मैंने कर ली, मेरा कृष्ण मेरे हमेशा साथ रहा है। इसलिए गोविंद, अगर दुखों के आने से ही तुम आते हो, अगर दुखों के आने से तुम्हारा दर्शन होता है, तो मेरे मन की कामना तो तुम हो सरकार। देखो मूल में कुंती ने क्या मांगा कि भवतो दर्शनम यतस्याद पुनर्भव दर्शनम, मुझे आपके दर्शन की कामना है, आप चाहिए मुझे। अगर दुखों में प्रभु आप आते हैं तो बलिहारी जाऊं ऐसे दुख पे जो आपका दर्शन करवाते हैं। और कभी विश्लेषण कीजिएगा भागवत का, जिस दिन मां कुंती ने कन्हैया के सन्मुख खड़े होकर इस बात की मांग कर ली है कि मुझे दुख चाहिए, उस दिन के बाद कुंती के जीवन में कोई दुख नहीं आया। इतिहास के पन्ने पलटकर देखिए, कभी एक कष्ट भी नहीं आया कुंती के जीवन में, क्योंकि साहस था आज कुछ मांग लेने का। और फिर प्रभु भी कैसे हैं, फिर दुख कहां देते हैं? अरे भगवान किसी को दुख नहीं देता, वो तो हाथ यूं खड़े रखता है केवल आशीर्वाद देने के लिए। कन्हैया तो यही कहते मुस्कुराते रहो सरकार, जीवन है, मिला है, आनंद करो, मंगल गीत गाओ, खूब मौज करो, खूब मस्ती करो, मुस्कुराते रहिए। अब जो कृष्ण के जीवन में कितना कष्ट आएगा, लेकिन कन्हैया कैसे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आनंद में है। बोले आनंद कीजिए महाराज, सच्चिदानंद रूपाय, आनंद तुम्हारा स्वरूप है कृष्ण, उसी का चिंतन। आज कुंती माँ पर बड़ी करुणा, बड़ी कृपा। कामना क्या थी? आपका दर्शन। कुछ देर और रुक जाइए ना, कुछ दिन और रुक जाइए। और कहते कन्हैया गए नहीं, कन्हैया ने रथ घुमा लिया। ठीक है माँ, आप कहती हैं तो कुछ दिन और रुकता हूं। बड़ा विस्तार है कथा का, एक एक कथा लीला का चिंतन करेंगे, मन आनंद से भर जाता है। और यही लीलाएं आपके चित्तवृत्ति को गोपीमयी बनाएंगी। गोपी कौन है? गो माने इंद्रिय, पी माने पीर, जो हर इंद्रिया से कृष्ण प्रेम का रस पी रही है, वो गोपिका है। तुम्हें छोड़े सोना नंद दुलारे कोई ना मीत हमारो, बस केवल यही गा रहा चित्त के अंदर, गोपिका जैसा भाव। विषम पिता माँ के मन में कृष्ण के प्रति परम प्रेम। 11 श्लोक में विषम पितामह में गोविंद की स्तुति करते, समय का अभाव है। थोड़ा आगे चलते हैं, चलते चलते भागवत में 24 अवतारों का जिक्र कृष्ण के किया गया। द्वितीय स्कंद के अंदर सृष्टि क्रमण की बात की गई है, और परीक्षित को सुखदेव जी महाराज, देखो कितने लोग ये कथा सुना रहे हैं, सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी को हरिद्वार में सुना रहे हैं, नारद जी युधिष्ठिर को भी ये संकेत दे रहे हैं,
संत कुमार नारद जी को ही कथा सुना रहे हैं, गोकर्ण जी ने यह कथा धुनकारे के लिए कही है। अब देखो एक ही बात सब लोग कर रहे हैं, जब अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्यक्ति एक ही बात कहें तो इसका अर्थ है कि वो बात बड़ी विशिष्ट है, वो बात कुछ दमदार है, कुछ ऐसा दम है इसके अंदर, जो अलग अलग लोग अलग अलग संत महात्मा केवल भागवत की चर्चा कर रहे हैं। आज भी देखो सकल विश्व के अंदर सब और भागवत हो रही है। लोग कहते कलयुग है, कलयुग नहीं है महाराज, कथा का युग है ये। यहाँ तो हर स्थान पर कथा रूपी अमृत बह रहा है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, ये आपको देने के लिए आई है, आपको भर देने के लिए आई है, आपको आनंद से परिपूर्ण कर देगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सावधान, पात्र थोड़ा खाली हो आपका, ताकि जब प्रभु लबाला भरना चाहे तो भर दिए जाए। इतने रूपों में भगवान प्रकट हो रहा है, किस लिए? केवल देखो गीता में कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य हम। कि जब जब धर्म को हानि होती है, धर्म का प्रचार होता है, तब तक दुष्टों का विनाश करने के लिए, दुराचारी शक्तियों को विध्वंस करने के लिए मैं किसी रूप में प्रकट हो जाता हूं। ये गीता में कहा है कृष्ण ने, लेकिन भागवत का कृष्ण ये नहीं कहेगा, अंतर है। गीता में कहां खड़े हैं भगवान? कुरुक्षेत्र में, रणभूमि में, मध्य में सारथी बनकर, जहां सामने कौरवों की दुराचारियों की सेना खड़ी थी और सामने दुष्ट लोग खड़े हों, और देखकर भगवान को थोड़ा जोश आ गया महाराज जी, और जोश में कह दिया, बोले इनको मारने के लिए मैं आता हूं। लेकिन भागवत का कृष्ण क्या कहता है? बोले दुष्टों के लिए नहीं, दुष्टों को विध्वंस करना है तो कृष्ण का एक संकल्प ही काफी है, एक इशारा ही काफी है, केवल एक इशारा, उन्हें आने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर आते क्यों है? वो भागवत की गोपिकाएं कहती हैं, बोले महाराज एक कारण है आने का, इन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, फिर वो कहां भाग जाया करेंगे। कदी कदी गालियां करो नाल भी, तुसी भी बोल लो महाराज जी। एक दिन आचार्य रजनीश जी बैठे थे, तो यूं ही प्रसंग चल रहा था, करते 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 कितने घंटे बीत गए, वो बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, सबको बोले आप भी बोल लो, सबके बोले नहीं महाराज एक और सुना दो। अब वो बोले, फिर बोले एक और सुना दो, खुद बोले ना, वो बोलते रहे बोलते रहे। तो फिर बाद में रजनीश ने एक बात कही, बोले अब तू चाहे आंख दिखाए, अब तू चाहे जोर लगाए, लेकिन जब तक मेरे संग ना गाए मैं ये गीत नहीं गाऊंगा। थोड़ा साथ में गा लो, राधा जीवन नीरमणि गोपाल मुरलिया वारे, राधा जीवन नीलमणि गोपाल, सब गाइए, राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे, नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे।
जीवन गोपाल मुरलिया वारे नंदलाल मुरलिया वारे गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वारे नंदलाल मुरलिया वारे राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे काली की सेवा करो मुरलिया ओ राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे नंदलाल मुरलिया वारे गो मिलके गाओ देखो जो लोग पीछे बैठे हैं ना पीछे वाले या बाहर वाले आप लोग बोलोगे मुझे नहीं सुनेगा पर जब आप लोग हाथ यूं करोगे तो मुझे दिखेगा जरूर तो यूं हाथ करके बोलो राधा जीवन नीलमणि गोपाल राधा जीवन एक बड़ी बूढ़ी अम्मा थी वृद्ध अम्मा हर रोज कथा सुनने जाती किसी का सहारा लेके दिखता भी नहीं था और सुनता भी नहीं था लेकिन फिर भी एक नियम था कि हर रोज कथा में बैठना है हर रोज बैठ बहुत ऊंची सुनता बहुत ऊंची कोई कान में जाके ऊंची ऊंची बोले तो सुनता कुछ शब्द वरना नहीं सुनता दिखता तो था ही नहीं किसी का हाथ पकड़ कर सहारा ले लेके पहुंचना लेकिन हर रोज जहां पता लगे भागवत होती हर रोज जाना एक दिन एक व्यक्ति ने पूछ लिया बोले अम्मा तुझे दिखता तो नहीं है बोले नहीं सुनता भी नहीं बड़ी उच्ची बोले बोले ना बेटे कहाँ सुनता बोले हर रोज क्यों आती है फिर तू कथा में फायदा क्या ना सुने ना दिखे बोले बेटे मुझे दिखता भी नहीं मुझे सुनता नहीं पर जिसकी कथा में आई हूँ उस वृंदावन बिहारी को दिखता भी है उस वृंदावन बिहारी को सुनता भी है इसलिए बैठो इस कदर कि ठाकुर तो दिख रहा है इस कदर बैठिए कि उसकी निगाह तो हम पर है और उसकी एक नजर कहीं पड़ जाए करुणा भरी बात बन जाएगी महाराज जीवन सुधर जाएगा सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है एक बूंद जो मिल जाए इसलिए भागवत में आप विश्लेषण कीजिए भगवान दुष्टों के लिए नहीं आए जिन जिन भक्तों ने बुलाया है उनके लिए प्रभु कभी नर नारायण के रूप में कभी बराह बनकर कभी नरसिंह के रूप में कभी वेद व्यास के रूप में ज्ञान का प्रसार करने के लिए कभी हंस अवतार लेकर तत्व ज्ञान देने के लिए कभी समुद्र मंथन के माध्यम से कितने विभिन्न रूपों में कुर्म रूप धारण कर लिया मोहनी रूप धारण करके अमृत बांट दिया धन्वंतरी के रूप में अमृत ले आए ये रूप किसके लिए सकल भक्तों की कामना पूर्ति के लिए कभी राम बनकर आए कभी कृष्ण बनकर आए किसके लिए केवल जब जब भक्तगण पुकारते हैं प्रेम से पुकार उठती है तो प्रभु रुक नहीं पाते फिर भगवान रुक नहीं पाते प्रभु को आना पड़ता है मनु शत्रुपा जी का जिक्र है भागवत जी के अंदर उनकी 5 संतानें 3 पुत्रियां आकुति देवहूति प्रसूति देवहूति जी का विवाह किससे हुआ प्रजापति कर्दम से जहां भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए और सांख्य शास्त्र का उपदेश किया आकुति जी का विवाह प्रजापति रुचि से जहां भगवान यज्ञ रूप में और फिर प्रसूति जी का विवाह प्रजापति दक्ष से जहां 60 कन्याएं हुई एक भगवती माँ सती जिनका विवाह देवाधिदेव महादेव से हुआ फिर उसकी पूरे वर्णन चतुर्स्कंद में सुखदेव जी महाराज करते हैं देखो यहाँ परीक्षित का कल्याण है निश्चित है क्यों गोरखी जी को और परीक्षित के कल्याण के 5 कारण सबसे पहले कि परीक्षित
गंगा जी का आश्रित हो गया। कहां बैठा परीक्षित? गंगा जी के तट पर बैठा है। और जिसने आज आज तक गंगा जी का आश्रय ले लिया है उसका कल्याण निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। महाराज जी पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार जब गरुड़ भगवान गंगा जी का दर्शन करने के लिए गए तो गंगा जी का स्नान किया, भूख लगी गरुड़ जी को, और गरुड़ जी का भोग क्या है, विधाता ने गरुड़ जी का भोग क्या बनाया, सर्प मत्स्य इत्यादि। तो कहते गंगा जी के तट पर जब स्नान करने के बाद गरुड़ बाहर आए तो बिल्कुल किनारे पर देखा कि सर्प था, उस सर्प का भक्षण कर लिया गरुड़ जी ने, और भक्षण करने के बाद गंगा जी का जल पी लिया। और जैसे ही गंगा जी का जल भीतर गया तो उस गंगा जी के जल ने अंदर गए सर्प का स्पर्श किया, कहते वो सर्प चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गया, मुक्ति मिल गई उसे। बोले ये गंगा जी का महाप्रसाद है, ये गंगा जी की महिमा है कि अगर कोई गंगा जी का, और आज भी अनुभव कीजिए, आप प्रतिदिन घर में गंगा जी का जल पीजिए, प्रतिदिन पीजिए, नियमित रूप से पीजिए, 2 महीने बाद 3 महीने बाद देखना चित्तवृत्ति बदल जाएगी। ये गंगा मैया का प्रभाव है। और आज परीक्षित कहां बैठा है? गंगा जी के तट पर बैठा है। और जिसने गंगा जी का आश्रय लिया है उसका कल्याण निश्चित है, पहला कारण। और दूसरा कारण क्या है कि जिसकी चित्तवृत्ति कृष्णमयी है, जिसके चित्त में रोम रोम में कृष्ण बसे हैं, जिसकी रचना पर कृष्ण है, जिसका मन कृष्ण में लगा हुआ है, उसका कल्याण होगा। और परीक्षित के मन मंदिर में कृष्ण ही है, कृष्ण हर घड़ी हर पल वो कृष्ण का चिंतन कर रहा है, अंतर मन कृष्ण में लगा हुआ है। और आज इतने बड़े संतों के करीब बैठा है केवल एक कामना लेकर कि मुझे कृष्ण चाहिए। अब कोई संसारी कामना नहीं, किसी वैभव की कामना नहीं, ये भी कामना नहीं कि प्रभु मेरा जीवन बढ़ जाए, ये भी कामना नहीं कि श्राप को खत्म हो जाए, मैं बच जाऊं, मुझे और अधिक जीवन मिल जाए, कोई कामना नहीं। एक कामना लेकर परीक्षित बैठा है, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे वृंदावन बिहारी चाहिए, बस ये एक कामना है। और जिसकी चित्तवृत्ति कृष्णमयी है उसका कल्याण बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल निश्चित। और तीसरे, जिसने एक बार भगवान का दर्शन कर लिया, जिसने एक बार भी कृष्ण को देख लिया, स्वप्न में भी झलक पा ली, तो लिख लीजिएगा कि आपका कल्याण निश्चित है। चतुर्थ स्कंद में ध्रुव जी की कथा आती है ना, मनुष्य रूपा के 2 पुत्र उतानपाद और प्रियव्रत। उतानपाद की 2 पत्नियां हैं, कौन कौन सी? सुनीति और सुरुचि, सुनीति और सुरुचि। बड़ी पत्नी का नाम सुनीति है और छोटी पत्नी का नाम सुरुचि है। और बड़ी पत्नी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव है और छोटी पत्नी सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम है। और उतानपाद को अपनी बड़ी पत्नी से इतना प्रेम नहीं है जितना प्रेम छोटी पत्नी सुरुचि से है। और जहां प्रेम होगा ज्यादा वहां पक्षपात भी होगा। अब बड़ी पत्नी सुनीति से प्यार नहीं है, किससे प्यार है? छोटी पत्नी सुरुचि से। बड़ी गहराई से देखिएगा ये बात, केवल उतानपाद की नहीं, हम सब जीवों की हो रही है। प्रत्येक जीव के साथ 2 ही वस्तु बंधी हुई है, सब जीवों की 2 ही पत्नियां हैं सबकी। हम सबके साथ सुनीति भी है और हम सबके साथ सुरुचि भी है। सुनीति का अर्थ होता है कि वेद की नीति के हिसाब से चलना, धर्म की नीति क्या कहती है उसके हिसाब से चलना सुनीति है। और सुरुचि माने अपनी रुचि, सेल्फ इंटरेस्ट। आपकी अपनी रुचि किसमें? आप विचार कीजिए, आप लोग नीति से चलते हो कि आप लोग रुचि से चलते हो? भागवत की नीति यह कहती है कि अगर 2:55 पर मैं यहां हूं तो आप मुझसे यहां पहले पहुंचने चाहिए। आप कब आते हो? नीति से आए हो कि रुचि से आए हो? बोलो, भागवत की नीति यही कहती है कि मेरे यहां बैठने से पहले आप लोग यहां होने चाहिए। आप नीति से आए हो कि आप रुचि से आए हो? आप अपनी मर्जी से आए हो? हमारी मर्जी? हम 3 बजे जाएं, बोले 4 बजे जाएं, बोले 5 बजे जाएं, बोले 6 बजे जाएं? नीति कहती है कि जब कथा सत्संग में जाइए तो इतना संभल कर जाइए कि हमारे जाने की खबर किसी को ना हो। इतने सलीके से जाकर बैठ जाइए कि कोई पहले रस में डूबा बैठा हो, कोई रस ले रहा हो, तो उसके आनंद में विघ्न पैदा ना हो जाए। और हम लोग तो ऐसे जाएंगे कि बस जैसे बस यहीं पहुंच जाओ।
आप तो यहाँ भी क्या क्रॉस करोगे, यहाँ तक ही आ जाओगे। ये तो महाराज अगर डंडा ना खड़ गए तो आप तो ये भी घेर लोगे। आप कैसे चलते हो? रुचि से। नीति कहती है कोई ऐसा काम मत कर देना कि रस में विघ्न पैदा हो जाए। अब मैं हर रोज बोलता हूँ कथा प्रांगण में मोबाइल फोन बंद रखिए, तो कई लोग चुपके चुपके चलाते हैं ना, वो क्या है? रुचि है, रुचि नीति नहीं है। नीति कहती है आपस में बातचीत नहीं करनी, बैठ जाओ, रस लो, बस आनंद लो। और कई लोग फिर भी थोड़ी बहुत ही गुपचुप कर लेते हैं आपस में, बोले कौन सा दिख रहा है। ये क्या है? रुचि है महाराज। भागवत, मैंने फिर कहा भागवत जो कह रही है हम सबकी बात कह रही है। हर जीव उतान पाद है, हर जीव के साथ दो चीजें जुड़ी हुई हैं, सुनीति भी और सुरुचि भी, नीति भी और रुचि भी। और एक दिन क्या हुआ? प्रिय व्रतो तान पादो शत्रु पापते सुतो वासुदेवस्य कले रक्षयाम जगत स्थितो। उतान पाद एकदा सुरुचे पुत्रम आरोपिम लाल्यनम। अपने सिंहासन पर बैठा है कौन? उतान पाद। और उसकी गोदी में अपना छोटा पुत्र बैठा उत्तम और छोटी पत्नी सुरुचि पास में खड़ी है। ठीक उसी वक्त कहते ध्रुव का प्रवेश हुआ। ध्रुव की आयु कितनी है? 5 वर्ष की। 5 वर्ष के ध्रुव का प्रवेश हुआ और ध्रुव ने देखा कि पिता की गोदी में छोटा भाई बैठा है तो मन हुआ कि मैं भी जाकर बैठ जाऊं। उत्तमम नारो रुक्षंतम ध्रुवम राजा अभिनंदत। और जैसे आकर पिता की गोद में बैठने लगा, अब छोटी माँ पास में खड़ी थी, खींच लिया। हे ध्रुव तू अधिकारी नहीं है, छोटी माँ कह रही है। ना बस नृपेत दृश्यनम भवान रोड मुरहति ना गृहितो मया यत्वम कुकाक्ष्वपि नृपाप पदजमः। तू अधिकारी नहीं है। बोले किस लिए? रो पड़ा ध्रुव एकदम। बोले तू पिता की गोदी का अधिकारी नहीं है। बोले अधिकारी क्यों नहीं? क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। बोले फिर क्या करूं? छोटी मां कह रही है तब साराध्य पुरुषम तस्य विना ग्रहणे में गर्भे त्वं साध्यत्मानं यदच्छसि नृपासनम्। बोले तप करने के लिए जा। देखो मां कह रही है 5 वर्ष के बालक को, छोटी मां, तप करने के लिए जा। तपसा आराध्य पुरुषम, तो नारायण की स्तुति कर, भगवान को प्रसन्न कर, नारायण प्रकट होंगे तो उनसे मांगना कि मैं छोटी माँ के गर्भ से पैदा होकर आऊं। ये बात छोटी माँ ने कही। किसने कही? सुरुचि ने कही। रुचि यही करती है। रुचि किसी को भी आघात पहुंचा सकती है। जब आप स्वार्थी हो जाएंगे, जब आप केवल अपने मन की बात करने लगेंगे तो आप किसी के भी दिल को ठेस पहुंचा सकते हैं। 5 वर्ष का बालक ध्रुव और छोटी माँ ने ऐसी ठेस लगाई। बोले जा तू, मेरे गर्भ से पैदा होकर आ, तब तू पिता की गोद का अधिकारी बन पाएगा, अन्यथा नहीं। रोने लगा ध्रुव, बड़ी चोट लगी दिल को। और फिर रोते रोते कहाँ जाएगा? अपनी माँ के पास। किसके पास? सुनीति के पास। देखो रुचि ने क्या किया और अब धर्म की नीति क्या करेगी। ध्रुव गया और भागवत के मैत्रेय जी कह रहे हैं मातु सपत्नेह सद्रुक्ति विद्ध श्वसन रूषा दंड हतो यथा ही। ध्रुव की स्थिति कैसे हुई? जैसे सर्प को डंडा मारो और वो फुंकारने लगता है जोर जोर से। बोले ऐसी स्थिति ध्रुव की हो गई। रोते रोते माँ के पास गया और सारी मन की व्यथा कह दी। लेकिन अब सुनीति क्या विचार करती है? बोले मेरे 5 वर्ष के बालक ध्रुव के अंदर कहीं छोटी माँ के प्रति गलानी पैदा ना हो जाए, किसी प्रकार की घृणा पैदा ना हो जाए, तो धर्म की नीति अब प्रेम का लेप करेगी। बोले बेटे तेरी माँ ने जो किया कहा बिल्कुल सच्ची तो कहा है। बोले क्यों? बोले प्रत्येक जीव का धर्म बनता है साधना करे, योग करे, तप करे, भगवान को प्रसन्न करे, यही तो जीवन का लक्ष्य है। माँ ने गलत नहीं कहा। तो ध्रुव ने पूछा फिर माँ ने जो ये कहा कि मेरे गर्भ से पैदा होकर आना। देखो कितनी नीति से स्मृति ने बात बदल दी। बोले वो केवल इसलिए कहा है कि वो तुझे बहुत प्रेम करती है,
वो चाहती है तो उसका पुत्र हो, इसमें बुराई नहीं है। ध्रुव के मन में हुई गलानी को सुनीति ने बड़े प्रेम से उस गलानी को खत्म किया कि मेरे पुत्र के मन में किसी के प्रति भी दुर्भावना ना हो, और उपदेश दे रही है। देखो भारत की महिला 5 वर्ष के बालक को ये उपदेश दे रही है, बेटे तू वन में जा साधना कर, भगवत कृपा हो जाएगी, भगवान को प्रसन्न कर। प्रभु को प्रसन्न करना ही जीवन का लक्ष्य है। आप सोचो क्या आप अपने 5 वर्ष के बच्चों को ये कह सकते हो कि जंगल में जा। हमारे बच्चे तो चॉकलेट टॉफियों तक सीमित हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, खेल खिलौने दे दोगे, खेल खिलौने भी क्या मोबाइल पकड़ा दोगे। आजकल देखता हूं मैं छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल की आदत है, 3-3 वर्ष के बच्चे भी यूट्यूब चैनल ओपन करके सब कुछ खोलना जानते हैं। देखो ऐसा ना हो कि आपके 3 वर्ष के बच्चे को मोबाइल की टोंटों तो चलानी आती हो लेकिन किसी संत महात्मा को देखकर प्रणाम करना ना आता। थोड़ा इस बात को समझ लीजिएगा। ध्रुव को देखिए, 5 वर्ष का बालक और चला निर्भय वन की ओर चला। संग में क्या है, माँ की करुणा साथ में है, माँ का आशीर्वाद भी साथ में है, तो जा बेटे सफल हो जाएगा। लेकिन सही है साधना कर, तप कर तो, क्योंकि माँ ने कहा तपसा आराध्य पुरुषम तस्से वानुग्रहणे, तो तप कर तो साधना कर। और ध्रुव चला और लक्ष्य देखिए, ध्रुव जानता है कि जिस पथ पर जा रहा हूं बिन सदगुरु के करुणा नहीं हो सकती, बिन गुरुदेव के प्रभु मिलेंगे नहीं। जब तक गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं होगा परमात्मा कैसे मिलेगा। 5 वर्ष का बालक ध्रुव जा रहा है लेकिन मन में धारणा करके गुरुदेव चाहिए, और जब आपकी शिष्यता प्रकट होगी तो यकीन कीजिए परमात्मा सदगुरु को भी भेज देगा। तुम गुरु नहीं खोज सकते। कई लोग कहते हम गुरु बनाएंगे, हम गुरु खोजेंगे, बोले तुम्हारी क्या औकात, तुम गुरु खोजो, तुम गुरु बनाओ, तुम शिष्य बनो, गुरु अपने आप तुम्हारे सामने आ जाएगा, परिपूर्ण सदगुरु तुम्हारे सम्मुख हो जाएगा। आज पात्रता थी, ध्रुव अधिकारी था, और जब चला तो परिपूर्ण सदगुरु नारद जी महाराज सम्मुख आए। बोले सदगुरुदेव भगवान की, बोले श्री वृंदावन बिहारी की जय। साष्टांग प्रणाम किया नारद जी को। नारद जी पूछते बोले बेटे तू किधर जा रहा है, बोले वन में काहे को, बोले साधना करने, प्रभु को प्रसन्न करने। बोले ये आयु तो बचपन की खेलने कूदने की है। ध्रुव ने कहा नहीं गुरुदेव, मेरी माँ कहती है ये आयु प्रभु को पाने की है, ये अपने आप को प्रभु के चरणों में नछावर कर देने के लिए है। नारद बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन भूख लगेगी प्यास लगेगी तो क्या करोगे, फिर क्या करोगे, माँ याद आएगी। आप देखो 5 वर्ष के बालक की निर्भयता, आप लोग 3 घंटे नहीं बैठ सकते, प्यास लग जाएगी, थोड़ी थोड़ी तो पानी पियोगे। यहाँ 5 वर्ष का बालक जंगल में जा रहा है और नारद कहते हैं बोले तुम्हें भूख प्यास लगेगी क्या करोगे। ध्रुव ने उत्तर दिया बोले गुरुदेव माँ कहती है इनके नाम में इतना रस है ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। क्या अटलता, क्या दृढ़ता ध्रुव की, क्या दृढ़ता। बड़े प्रसन्न हुए नारद जी महाराज, और भागवत कह रही है ध्रुव पूछ रहा है बोले महाराज आप बताइए मैं क्या करूं, मुझे तो प्रभु की पहचान ही नहीं, भगवान कैसे होते हैं पता नहीं है, क्या नाम जपूं, कहां जाकर जपूं, बस इतना जानता हूं कि सदगुरु मिल जाए तो उनका मिलना सरल हो जाएगा। आप सदगुरु हैं, आप कृपा कर दो। और बड़ी करुणा की नारद जी महाराज ने नाम दीक्षा दी, और कौन सा नाम, द्वादश अक्ष मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। बोले ध्रुव तू इस मंत्र का जाप करना, विश्वास करना वो आएगा, अनन्य आश्रय लेना नाम का और उस पर अटूट भरोसा करना वो आएगा। उसका स्वरूप कैसा है नारद जी ने बताया, भगवान कैसे हैं,
मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज। बड़े मंगल मूर्ति हैं, बड़े प्यारे हैं, स्वरूप कैसा, प्रसादा विमुख शश्वत प्रसन्न वदन क्षणम, प्रसन्न मुद्रा, नीलवर्ण श्री ठाकुर जी का चतुर्भुज शंख चक्र पद्म धारण किए हुए, और जिनके चरणों में तीन रंग हैं, जिनके चरणों का तलवा लाल रंग का, जिनके नाखून श्वेत, जिनमें सुंदर किरणें प्रवृत्त हो रही हैं, और चरणों का ऊपर हिस्सा नील वर्ण है। ये तीन रंग ठाकुर जी के चरणों में, निचला हिस्सा लाल, नख श्वेत और ऊपरी हिस्सा नील वर्ण है। चरणों से ध्यान करके सर तक जाना, एक एक अंग का ध्यान करना, मेरे प्रभु कृपा करेंगे तो जो प्रभु की प्राप्ति हो जाए। नारद ध्रुव कहते हाथ जोड़कर, गुरुदेव नाम दीक्षा प्रदान की, प्रभु कैसे हैं, लेकिन अब ये भी बता दीजिए कि मैं कहाँ जाकर जाप करूं, मैं कहाँ जाकर प्रभु को रिझाऊं, मैं कहाँ बैठकर भगवान का ध्यान करूं, कहाँ चिंतन करूं, करुणा कीजिए। और तब नारद जी महाराज स्थान बता रहे हैं कहाँ जाकर जाप करना, कहाँ, तथा तगच्छ भद्रम, हे भद्र तू जा, कहाँ पर, यमुना जी के तट पर। तथा तगच्छ भद्रम ते यमुनास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्ये नित्यदा हरे। जहाँ पर नित्य प्रति श्री गोविंद की अनंत अनंत लीलाएं सदा चलती रहती, जहाँ सदा ही वृंदावन बिहारी अपने रूप माधुरी प्रसाद बांटते रहते हैं, उस स्थली पर जा, यमुना के तट पर बैठ और प्रभु को पुकारना, मेरे गोविंद तुझ पर कृपा करेंगे, वो दर्शन तुझे देंगे। दंडोत प्रणाम किया ध्रुव ने, और दंडोत प्रणाम करने के बाद आशीर्वाद मिल गया गुरुदेव का। देखो बिना सदगुरु के वहां तक नहीं जाया जा सकता, गुरुदेव के बिना नहीं। और फिर ध्रुव चला एक दृढ़ लक्ष्य लेकर, गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर, माँ की स्मृति लेकर, फिर नारायण को प्रसन्न करने चला। और जिसके ऊपर गुरुदेव की छत्र छाया है, प्रभु मिलेंगे। और ध्रुव ने प्रवेश किया बयावान वन, यमुना जी का तट, मधुवन का क्षेत्र, और ध्रुव ने स्नान किया जाकर। सबसे पहले भागवत कहती ध्रुव स्नान करता है और फिर साधना शुरू की। और साधना भागवत के आधार पर देखे, ध्रुव की साधना बड़ी अखंड है। 6 महीने साधना की ध्रुव ने, कड़ी साधना। मैत्रेय जी जिक्र कर रहे हैं, मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं ये प्रसंग। त्रिरात्रांते त्रिरात्रंत्रे कपित्थ वद्राशनः आतम वृत्तेनुरासरे मासम निन्ने चन हरिम नित्यम च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर्भेको दिने। बोले इतनी अखंड साधना कि जाते ही यमुना जी में स्नान करना और फिर पद्म आसन लगाकर ध्रुव बैठ गए, और फिर जो गुरुदेव ने नाम दिया था उस नाम का जाप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो जितनी देर ध्रुव ये नाम पुकारेगा, आप लोग पुकार लो ताकि ध्रुव की ऊर्जा भी कुछ मिल जाए हमें। ओम मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जैसे ध्रुव जाकर बैठा, गुरुदेव की ऊर्जा भी प्राप्त हुई। 3 दिन तक ध्रुव को होश नहीं रही, पहले महीने में 3 दिन तक होश नहीं रही, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं। छोटा सा बालक 5 वर्ष का बैठा है, जप रहा है ओम नमो भगवते। थोड़ा जोर के बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और 3 दिन के बाद, ये पहले महीने की घटना है, 3-3 दिन तक साधना चलती है, 3 दिन बाद उठता है, जो फल इत्यादि मिले वो फल खाकर फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर मैत्रेय जी कहते हैं द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षष्ठे भ्रवे को दिने।
छह दिन बीतने लगे दूसरे महीने तक, तो इतना आनंद, इतना रस, इतनी अधिक आनंद की धारा भीतर प्रज्वलित हो गई। ध्रुव को होश नहीं, छह दिन बाद उठे कुछ मिल जाए खा लवे। तीसरा महीना आया, तृतीयम चाने मासम नवमे नवमे हनी, नौ नौ दिन बीत गए। देखो जैसे जैसे आपके अंतर में नाम का रस बढ़ता जाएगा, आपको समय का भास नहीं रहेगा, कोई समय का भास नहीं रहेगा। जैसे जैसे आप कथा में प्रवेश करोगे, तीन घंटे तो महाराज बहुत कम है, ग्यारह ग्यारह घंटे कथा हुई है महाराज जी की कृपा से, ग्यारह ग्यारह घंटे कोई नहीं गया, सब बैठे हैं और सबकी स्मरता सुनने वाले की स्मरता ज्यादा है कहने वाले से। जैसे जैसे रस में आप डूबोगे, समय की होश नहीं रहेगी, कब दिन कब रात बीत जाएगी कोई होश नहीं रहेगी। ये रस ऐसा है, देखो पांच वर्ष के ध्रुव की स्थिति है तीसरे महीने में कि तृतीयम चाने मासम नवमे नवमे हनी, नौ नौ दिन बीत गए। और फिर चतुर्मास में चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे द्वादशे हनी, बारह बारह दिन बीत गए। अब तो फल भी खाने छोड़ दिए, सूखे पत्ते जो मिले वह थोड़े से खाए, थोड़ी सी बैठ फिर बैठे और फिर आनंद, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचमे मासे नु प्राप्ते जित श्वासो निपात्मज ध्यायन ब्रह्म पदेकेन तस्थो स्थाडुरी वाचल। पंचमे महीने तक तो, पंचम माह के अंदर तो ध्रुव ने सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया, अब केवल हवा के सहारे। और विचार कीजिए ध्रुव ने कैसे साधना की है, पांच महीने पूर्ण होते होते ध्रुव खड़ा हो गया, और खड़ा भी कैसे हुआ, एक टांग पर खड़ा हो गया, जीत श्वासो जीत ली इंद्रियां अपनी, खड़ा हो गया नेत्र बंद आकाश की ओर हाथ खड़के करके एक टांग के ऊपर। पंचमे मास्ते में प्राप्ते जीत श्वासो निपात्मज ध्यायन ब्रह्म पदेके तस्थो स्थानुरिवाचल। सर्वतो मन आकृष्ये हृदि भूतेन्द्रियाश्यम, समस्त इंद्रियां अत्यंत तेज प्रकट हुआ ध्रुव के चित्त के अंदर। वो अखंड साधना करते करते बोले, एक ऐसी प्रकृति ध्रुव की आई, इतनी अखंड साधना प्रकट हुई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव के अखंड ताप से इतना तेज प्रकट हुआ कि पूरा ब्रह्मांड एकदम हिलने लगा, देवता चकरा गए, घबरा गए, संत महात्मा ढूंढने लगे, त्राहिमान त्राहिमान हो गया। देवता लोग पुकारने, हे नारायण हे भव सिंधु, हे कृपा करो, करुणा निधान कृपा करो, अन्यथा ध्रुव की भक्ति के साधना के बल से ब्रह्मांड जलकर भस्मीभूत हो जाएगा, कृपा करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वतो मन कृष्य हृदय भूत इंद्रश्यम, एकदम ब्रह्मांड हिल गया जब प्रार्थना की श्री नारायण से, बोले चिंता मत करो, ये ध्रुव की साधना का बल है, मैं जाऊंगा दर्शन देने के लिए। और कहते भगवान उठे, बोले मैं जाता हूं दर्शन देने के लिए, चिंता मत करो। लेकिन जैसे ही प्रभु चलने लगे, महाराज जी मजे की बात है कि भगवान का विचार बदल गया, प्रभु का विचार बदल गया, किसलिए, बोले दर्शन देने नहीं जाऊंगा, ध्रुव का दर्शन लेने जाऊंगा, ध्रुव का दर्शन करने के लिए जाऊंगा, देने नहीं जाना। बोले कभी कोई आता ऐसा भक्त ध्रुव जैसा, पांच वर्ष की अवस्था, हिला दिया जिसने ब्रह्मांड को, हिला दिया जिसने संतों की समाधि को, खोल दी जिसने विक्षिप्ता विक्षेपित मन को समाधिस्त कर दिया, वो ध्रुव है। और प्रभु चले, किस लिए चले, ध्रुव का दर्शन करने चले।
और जिस वन में यमुना जी के तट पर मधुवन के क्षेत्र में वृक्ष के तले ध्रुव खड़े हैं, ध्रुव को कोई होश नहीं और भगवान सन्मुख प्रकट हो गए। वो वृंदावन बिहारी नारायण सन्मुख प्रकट हो गए और ध्रुव को पता नहीं। अब देखो दर्शन कौन कर रहा है, ध्रुव कर रहा है कि भगवान कर रहे हैं? नारायण दर्शन कर रहे हैं, ध्रुव तो उसी अवस्था में है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु सन्मुख है और ध्रुव नेत्र बंद करके खड़ा है और भगवान विचार करते हैं, बोले पुकार तो मुझे ही रहा है, मैं सामने आया हूं और ये नेत्र नहीं खोल रहा है। प्रभु बार बार कहते हैं ध्रुव नेत्र खोलो और प्रभु विचार करते हैं क्यों नहीं खोलता। और तो भगवान ने देखा कि ध्रुव अपने अंतर हृदय में मेरी इसी छवि का दर्शन कर रहा है और जब तक भीतर दर्शन करेगा बाहर की होश नहीं होगी। बोले फिर क्या करूं, और भगवान ने ध्रुव के अंतरस्थली की अपनी छवि को अंतर ध्यान किया और जैसे अंदर की छवि अंतर ध्यान हुई ध्रुव ने छट पटाकर नेत्र खोले तो देखा सामने वही स्वरूप वही नारायण चतुर्भुज रूप में विराजमान है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी सहस्त्र शीर्ष पी ततो गुरुत्तमता मधोर वनम वृत्ति दृक्षता गतः। और भगवान ने क्या किया, अंदर की छवि को अंतर ध्यान। तिरोहितम सेसेव उपलक्षय बहिस्थितम तवर्स्थम ददर्शः। ध्रुव ने दर्शन किया बार की छवि का, नारायण का दर्शन किया चतुर्भुज रूप में और फिर खूब लीला विस्तार है। भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं, ध्रुव भी मुस्कुरा रहे हैं। कितनी देर बीत गई, ना तो प्रभु ने कुछ कहा ना ध्रुव ने कुछ कहा, केवल मुस्कुरा रहे। आकाश मंडल में देवता खड़े थे वो भी मुस्कुरा रहे हैं और गंगा जी के तट पर सुखदेव जी जो कथा कह रहे हैं वो भी मुस्कुराने लगे। अब संत लोग गोष्ठी करते हैं कि इस लीला में बोल कोई कुछ भी नहीं रहा और सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? बोले कारण है, भगवान क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए कि मुझे बुला रहा है, मैं सन्मुख आ गया हूं, अब बात भी नहीं करता। और ये सोचकर प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। बोले ध्रुव क्यों हंस रहा है, बोले वो इसलिए मुस्कुरा रहा है प्रभु क्या कहूं, बोलना ही नहीं आता, कोई स्तुति करनी नहीं आती, कुछ मंत्र नहीं बोलने आते, 5 वर्ष का है, किसी गुरुकुल में गया नहीं, कुछ कहना आता नहीं, क्या कहूं, केवल मुस्कुरा दिया। बोले देवता क्यों मुस्कुराए, बोले वो इसलिए कि अगर ध्रुव की जगह हम होते ना और भगवान कहते कुछ मांग लो, हम तो लंबी लिस्ट खड़ी कर देते, महाराज ये दो वो दो ये दो वो दो। सुखदेव क्यों मुस्कुराए, बोले वो इसलिए कि क्या भगवत प्रेम है, क्या भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है, समस्त कामनाएं खत्म हो गई, अब मांग ही नहीं रही, केवल आनंद प्रकट हो रहा है, केवल प्रेम रस लिया जा रहा है, केवल प्रेम रस बरस रहा है, अखियां सब कुछ कह रही हैं, मौन सब कुछ कह रहा है। बड़े आनंदित हो गए और भगवान समझ गए ये कुछ कहना चाहता है, श्रुति करना चाहता है लेकिन नहीं कहा। तब प्रभु ने अपना दिव्यतम शंख का स्पर्श ध्रुव की गाल को दिया, मंगल स्तुति निकल पड़ी और फिर जो प्रभु ने दिया सो दिया, ध्रुव ने नहीं मांगा, जबकि ध्रुव चला था कुछ मांगने के लिए। लेकिन भगवत दर्शन करने के बाद ध्रुव ने एक ही बात कही, प्रभु मेरे मन में कामना तो थी, संसार की कामना थी, भौतिक अभिलाषा थी, लेकिन कब तक थी, जब तक आपको देखा नहीं था, लेकिन सरकार आपको देखने के बाद अब जगत फीका हो गया, आपको देखने के बाद अब संसार की कोई कामना मन में नहीं रही, ये कामनाएं तब तक थी जब तक आप नहीं दिखे थे, अब आप दिख गए बस संसार गया। रंग में तेरे रंग गई गिरधर छूट गया जग बन गई तेरे प्रेम की जोगन लेके जीने का सहारा मुझे दुनिया वालों से। और फिर जो दिया वो प्रभु दे रहे हैं, 36,000 वर्ष तक तो संसार का भोग कर रहा और फिर उसके बाद मैं अपना विष्णु लोक तुझे प्रदान करता हूं,
क्या कुछ नहीं दे दिया। इसलिए प्रभु के सामने जाइए, मांगिए नहीं, बस शरणागति हो जाइए, भगवान खुद योगक्षेम हम करेंगे। ये प्रभु का वचन है। जिसने एक बार, ये तीसरी कारण है दीक्षित के कल्याण का, जिसने एक बार भी कृष्ण को देख लिया उसका कल्याण निश्चित है। ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में देखा। देखो एक बात महाराज जी, मेरा अनुभव है जहां तक है, गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, कि भागवत कहती है कि 6 महीने ध्रुव को लगे भगवान का दर्शन करने के लिए, 6 महीने। पर जहां तक मेरे मन की भावना है, मुझे लगता नहीं ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मानस में रघुनाथ जी तो कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट चल चित्र ना भावा। रघुनाथ खुद कह रहे हैं, भगवान खुद कह रहे हैं कि जिनका मन भोला है, सहजता है, सरलता है, जिनके मन में छल कपट नहीं है, वो मेरी प्राप्ति कर लेता है। और आप विचार कीजिए, 5 वर्ष का बालक हो, ध्रुव जैसी चंचलता, वो मन की प्रकृति हो, वो मन की पवित्रता हो, इतना भोलापन हो, इतनी सादगी हो मन के अंदर, और फिर भी भगवान को 6 महीने लगे, तो इसका अर्थ भगवान पत्थर है। जबकि भगवान तो बड़े संवेदनशील है, वो तो करुणा के भंडार है, करुणा के महासागर है, फिर 6 महीने क्यों लगे? मुझे जहां तक अनुभव होता है कोई 6 महीने नहीं लगे होंगे। जहां तक मुझे लगता है ध्रुव गया होगा, क्योंकि गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, गुरुदेव गया होगा, ध्रुव गया होगा यमुना के तट पर, ध्रुव ने यमुना में स्नान करके प्रभु के लिए हाथ जोड़े होंगे, हे गोविंद, हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और ध्रुव के बोलेपन पर रीझ कर उसी वक्त साक्षात वृंदावन बिहारी प्रकट हो गए होंगे। मुझे जहां तक लगता है कि उसी वक्त प्रकट हो गए होंगे। हाँ, ये बात अलग है कि संसार को खबर 6 महीने बाद लगी होगी कि ध्रुव को दर्शन हो गया, हुआ उसी वक्त होगा पक्का। ये मैत्रेय जी कहीं थोड़ा सा वो हो गए होंगे कि 6 महीने का जो समय लिखा गया है। देखो, मैं भागवत पर प्रश्न नहीं कर रहा, भागवत के प्रति मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं तो भगवान की करुणा की बात कर रहा हूँ कि हमारे ठाकुर जी इतने करुणा भरे हैं। अरे छोटा सा बच्चा, आपका ही 5 वर्ष का बच्चा हाथ उठाकर आपको पुकारे, एक आज की भौतिक माँ नहीं रुक सकती, तो जगत माँ है, जो जगदीश्वर है, वो नारायण कैसे रुकेगा? छोटा सा बच्चा हाथ उठाए, और मैं कहता हूँ भगवान उसी वक्त आ गए होंगे, उसी वक्त आए होंगे, वो इतने करुणामयी है, इतने कृपामयी है, कहाँ रुकेंगे ठाकुर जी? जो करुणा का रस का भंडार है, जो प्रेम का आनंद मूर्ति है, वो कहां रुक पाएगा? आए होंगे। एक बार जिसने देख लिया कल्याण होगा। ध्रुव ने तो 5 वर्ष की आयु में देखा जी, और परीक्षित ने तो मां के गर्भ में ही देख लिया था, परीक्षित ने तो वहीं देख लिया था, तो उसका कल्याण भी निश्चित है। चौथा कारण के अगर घर में एक भक्त भी पैदा हो जाए तो वो 21 पीढ़ियों को उतार देता है। प्रहलाद को देखो, भक्त शिरोमणि प्रहलाद, मां के आदि के गर्भ में नारद जी का परम उपदेश हुआ, नारद जी की ने दीक्षा प्रदान की, और क्या रस चढ़ा। और उसी प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप को साधना करते हैं ब्रह्मदेव की, ब्रह्मदेव प्रकट हुए, बोले मांगो क्या चाहिए? बोले महाराज वरदान दीजिए, मैं बड़ा विचित्र वरदान, आप सभी जानते हो, क्या मांगा? ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात को मरूं, ना किसी मानव से मरूं, ना किसी पशु से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, और ना ही साल के 12 महीने में मरूं। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, चले गए, और शक्तियां मिली हिरण्यकश्यप को, त्राही मान कर दी, हरि नाम संकीर्तन बंद करवा दिए, भगवान के विग्रह को तोड़वा दिया, अपनी प्रतिमा जड़ दी, बोले मेरी पूजा करो, मेरी अर्चना करो, मैं ही विश्व का परमात्मा हूं। और जितने कच्चे घड़े थे सब टूट गए, सब हिरण्यकश्यप को भगवान मानने लगे। लेकिन उसके अपने घर में 5 वर्ष का प्रहलाद, जिसकी चुनरिया कृष्ण प्रेम में रंगी हुई है, ऐसा रंग चढ़ा है, कोई और रंग कैसे चढ़े? हरी ना रंगाऊं मैं तो लाल ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया।
ऐसी रंग दे के रंग ना ही छूटे, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे। धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। बिना रंगाए मैं तो घर ना ही जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर ना ही जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर ना ही जाऊंगी। बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। प्रहलाद की चुनरिया कृष्ण प्रेम में रंगी हुई है, कोई और रंग चढ़ेगा नहीं। गुरुकुल में भेजा, बोले सिखाइए इसे, इस विश्व का परमात्मा इसका पिता भृगु है, मेरी पूजा करो, मेरी साधना करो। और फिर कितने समय के बाद प्रहलाद को बुलाया गया, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गोदी में बिठाया, बोल प्रहलाद तू किसकी महिमा सुनता है, तू किसका भजन करता है, तू किसका नाम पुकारता है, तू किसके किसका स्मरण करता है, तू किसका दास है, तू किसका भजन करेगा। बड़ी निर्भयता से प्रहलाद ने कहा, पिताश्री श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। बोले श्रवण करना है तो हरि का भजन स्मरण करो, हरि की कथा सुनो, उनका स्मरण करो, श्री नारायण के श्रीनार विंदों का आश्रय ले लीजिए, मैं उन्हीं का दास हूँ, वही मेरे परम सखा बंधु सखा माता पिता सब नारायण है। इतनी बात सुनी हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया, पटक दिया, बोले ले जाओ इसे बंद कोठरी में कर दो, दो तीन दिन रहेगा अकल ठिकाने आ जाएगी। छोटा सा बालक 5 वर्ष का अंधेरी कोठरी में रखा गया सरकार 3 दिन। और प्रहलाद कैसा है, हे हरि कितनी कृपा हो गई, 3 दिन एकांत में रहूंगा, आपका भजन करूंगा। और खूब मस्त हो गया, बाहर निकाला, बोले बोल अकल ठिकाने आ गई होगी तेरी, अब तो समझ गया कि इस संसार का ब्रह्म कौन है। बोले ब्रह्म तो हरि है, कोई और नहीं है, केवल मेरे नारायण ब्रह्म है। बड़ा क्रोध आया नक्षत्र को, ले जाओ इसे पर्वत की चोटी से फेंक दो। महाराज ऊपर से फेंका गया, साक्षात भगवान प्रकट हो गए और प्रहलाद को गोदी में उठा लिया, काले सांपों के सामने डाला गया, विष का प्याला प्रहलाद को पिलाया गया, जलते खंबे के साथ चिपका दिया गया, जलते कड़ाहे में घी में डाल दिया गया प्रहलाद को, मदमस्त हाथियों के सामने डाल दिया गया, उनके सन्मुख डाल दिया गया, लेकिन निर्भय, क्योंकि भक्त निर्भय होता है, निर्भय होता है, डरा नहीं। कितनी यातनाएं, कितनी यातनाएं, होली का आई, बोले महाराज चिंता मत कीजिए, मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि अग्नि मुझे जला नहीं पाएगी, आप चिता बनाइए, मैं बैठूंगी गोदी में प्रहलाद को बिठाऊंगी, अग्नि प्रज्वलित करना, अग्नि के लपटे उठेंगी, ये खत्म हो जाएगा। देखा समस्त नगरवासियों ने, चिता बनी और चिता के अंदर होलिका बैठी और गोदी में बैठे प्रहलाद जी, अग्नि प्रज्वलित हुई, अग्नि के लपटे आकाश को छूने लगी और देखने वाले देखते रह गए, होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। जा कोरा के साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे जग भी बैरी हुए। जिसके संरक्षण गोविंद है संसार क्या बिगाड़ेगा उसका। बड़ा क्रोध आया नक्षत्रों को, पकड़ा हाथ से घसीटते हुए लेकर गया अपने कक्ष में, हे प्रहलाद कहाँ रहता है तेरा ब्रह्म। बोले पिताश्री ये पूछिए कहाँ नहीं रहता है मेरा ब्रह्म, सर्वत्र है, सर्वदा है, घट घट में है, कण कण में है, क्या मेरे इस भूमंडल में भी तेरा परमात्मा रहता है। बोले रहता है,
क्या मेरे इस राजभवन में भी तेरा ब्रह्म है? बोले यहाँ भी है। क्या मेरे इस कक्ष में भी तेरा ब्रह्म है? बोले यहाँ भी है। क्या स्तंभ में भी तेरा नारायण है? बोले यहाँ भी है, लेकिन दिखता नहीं मुझे। बोले दिखेगा भी नहीं, अब मेरी नजर से देखिए दिख जाएगा। हे प्रहलाद सुन, तो बहुत बकबक करता है, बहुत बोलता है। तो अगर स्तंभ में तेरा नारायण है तो आज इस स्तंभ सहित तेरे हरि को नष्ट करके रहूंगा। इतनी कही, हाथ में गदा उठाई और हिरण्यकश्यप ने स्तंभ पर जैसे मारा, उसी वक्त स्तंभ को फाड़कर भगवान नारायण नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नरसिंह रूप में भगवान एकदम विकराल स्थिति, देह मानव की, मुख सींका, आंखों में लालिमा, क्रोध आवेश का अवतार है नरसिंह। आवेश बड़े क्रोध में आए, पकड़ लिया हिरण्यकश्यपु को, ले गए उठाकर बीचों बीच देली में बैठ गए, जंगा पर डाला। ए हिरण्यकश्यपु, याद कर तूने कहा था कि ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना दिन है ना रात है, मध्याह्न का वक्त है। तूने कहा था ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, देख बीचों बीच बैठा हूं, ना घर का अंदर है ना घर का बाहर है। तूने कहा था ना मानव से मरूं ना पशु से मरूं, और देख मुझे, ना तो पूर्ण मानव हूं ना पशु, मैं नरसिंह हूं। तूने कहा था ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, इसलिए आज हम तुझे ना अस्त्र से भेदेंगे ना शस्त्र से मारेंगे, आज मैं तुम्हें अपने नाखूनों से भेद दूंगा। तूने कहा था कि साल के 12 महीने में ना मरूं, इसलिए इसी वक्त तेरा वध करने के लिए मैं नव मास का प्रचंड करता हूं। और उसी वक्त प्रभु ने आज्ञा प्रदान की, स्वर्ण तरंगे प्रसारित होने लगे और नव मास पुरुषोत्तम मास की रचना हुई। और उसी पुरुषोत्तम मास ने श्री नारायण ने उसी वक्त उस हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया, वेद दिया, देवताओं ने पुष्प वृष्टि प्रारंभ कर दी। बोले वृंदावन बिहारी, बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मंगल स्तुति देवतागण कर रहे हैं, और तब प्रहलाद जी महाराज ने मंगल स्तुति की, बड़ी प्यारी स्तुति प्रहलाद करते हैं। गोदी में प्रभु ने बिठाया और नरसिंह भगवान प्रहलाद को चाट रहे हैं, अपनी जीभ से बार बार चाट रहे हैं गालों को। इतना चाटा प्रहलाद को, इतना चाटा, संत लोग गोष्ठी करते हैं तो कहते हैं, बोले हमें तो यूं लगता है कि ये अवतार प्रभु ने प्रहलाद को चाटने के लिए लिया था, भक्त को चाटने के लिए लिया था। किसी और अवतार लीला में आज तक प्रभु ने ऐसा नहीं किया, लेकिन इस लीला में किया। बड़ी मंगल स्तुति प्रहलाद ने की, प्रभु अंतर्ध्यान हुए। कितने रूपों में भगवान प्रकट हुए, बामन रूप धारण करके बलि के यहाँ गए, तीन बग भूमि का दान, लीलाएं आप सब जानते हो, समय का अभाव है। और तीन पग में, एक पग में पृथ्वी माप ली, एक पग में बाकी लोग माप लिया, तीसरा पग शेष था। प्रभु ने कहा, बलि तुम्हारा संकल्प अधूरा हो गया, नरक में जाने को तैयार हो जा। बलि ने प्रार्थना की, प्रभु एक प्रश्न है, उत्तर देंगे, पूछो। दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है? गोविंद मुस्कुराए, देखो भक्त बड़े चतुर होते हैं, भगवान को भी फंसा लेते हैं। बोले प्रभु बस इतना बता दीजिए, दान बड़ा है कि दानी बड़ा है? बलि, दान छोटा है, देने वाला ही बड़ा होता है। तो प्रभु अभी तक तो आपने दो कदमों में मेरे द्वारा दिया गया दान ही लिया है, मैं दानी आपके सामने हूं, मस्तक हो नतमस्तक होकर आपके चरणों में अपने मन सहित आत्मा सहित अपने आप को समर्पित कर देता हूँ। हे प्रभु, तीसरा चरण उठाइए और मेरे सर पर रखकर मुझे अपना बना लीजिए। और तीसरे चरण में श्री ठाकुर जी ने बलि को अपना बनाया। फिर मत्स्य रूप की लीला है, इतनी जिक्र आवश्यकता नहीं बात करने की, केवल लक्ष्य समझिए कि प्रभु जिस रूप में आए हैं, केवल प्रेम उसका सूत्र है, प्रेम सूत्र है। भागवत आपके चित्त को प्रेम से भरेगी, आपको कृष्ण प्यारे लगने लगेंगे। और फिर लेकिन कृष्ण से पहले कौन है, ध्यान दीजिएगा, कृष्ण से पहले कौन है? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भये दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नोमि जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, सिर मुकट कुंडल तिलक चार उदारु अंग विभूषणम,
आजान भुज शरचाप धर संग्राम जित खर दूषणम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कं। कृष्ण से पहले भगवान राम रूप में अवध में प्रकट हुए हैं। अवध में विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। पहले मानवी मर्यादा क्या है भगवान वो सिखा रहे हैं। देखो राम और कृष्ण में अंतर नहीं है, दो एक रूप ही है। अरे कौन श्याम खोजे तू एवावरिया एक श्याम दशरथ के ललना 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 और एक बने कृष्ण कन्हैया। अरे कौन श्याम खोजे तू है बावरिया कौन श्याम खोजे तू है बावरिया एक श्याम संग जानकी विराजे 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 और एक राधा के कन्हैया। अरे कौन श्याम खोजे तू है बावरिया अरे कौन श्याम खोजे तू है बावरिया। पहले राम रूप में मर्यादा क्या है वो निभाई। अवध की पावन धरा पर रघुनाथ जी पधारे चार भूतियों के रूप में, फिर बाल लीलाएं करते हैं, गुरुकुल में गए। नौ वर्ष की अवस्था जब राम जी की हुई तब जगत जननी माँ जानकी जी का प्रादुर्भाव हुआ, तब सीता जी आई। और ध्यान दीजिएगा, राम ब्रह्म है, राम परब्रह्म परमात्मा है, और उस परब्रह्म परमात्मा को जन्म देने के लिए भारत में एक महिला हुई कौशल्या, जिन्होंने राम जी को प्रकट किया, जिन्होंने राम को अपने गर्भ से प्रादुर्भाव दिया। लेकिन सीता जी का जानकी का पात्र तो इतना ऊंचा है महाराज कि इस संसार में किसी मां में क्षमता ही नहीं थी सीता को जन्म देने के लिए, इसलिए संतों ने उस जानकी को धरती के गर्भ से प्रकट किया। इतना ऊंचा पात्र जनक नंदनी जानकी जी का है, इतना ऊंचा पात्र। इसलिए तो संतजन बार बार कहते बोले जिनके संग में किशोरी जी है ना उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देखो राम रूप में भगवान की माधुरी और भगवान का ऐश्वर्य दोनों अवध में है, इसलिए माधुरी ऐश्वर्य एक रूप में ही प्रकट हुई है। किस रूप में? सीता जी के रूप में। राम रूप में माधुरी भी ऐश्वर्य एक स्थान पर है तो जानकी रूप में प्रकट हो गई। लेकिन कृष्ण रूप में माधुरी अलग है ऐश्वर्य अलग है, माधुरी वृंदावन में है और ऐश्वर्य द्वारिका में है, इसलिए दो विभूतियां प्रकट हुई हैं, ऐश्वर्य के रूप में रुक्मिणी महारानी और परम माधुरी के रूप में हमारी राधा रानी जी, हमारी श्री जी प्रकट हुई हैं। इसलिए जिस जिसने श्री जी का आश्रय लिया है, जिस जिसने किशोरी जी का आश्रय लिया है, श्री कृष्ण की परम कृपा परम करुणा उस पर बरसती रही है। इसलिए कहूंगा बड़ी गुप्त बात है, कन्हैया चंचल है, सुनी अनसुनी कर देते हैं। राधा रानी जी तो ऐसी हैं, इधर आप कहोगे वो उधर साथ की साथ जाकर कन्हैया से कह देती है। तभी तो संतजन कहते करुणामयी कृपामयी दयामयी राधे, ये ऐसी करुणामयी है। इसलिए श्री जी का आश्रय लीजिए, किशोरी जी का आश्रय लीजिए, भले वो श्री जी के रूप में सीता जी रूप में हो, भले वो राधा रानी जी के रूप में हो, क्योंकि महादेव स्तुति कर रहे हैं ना।
बार बार महादेव कहते हैं, बोले अयोध्या के प्रमोद वन की अधिष्ठात्री देवी अर्थात सीता जी भी हे राधा रानी जी आप ही हैं। इस रूप में माधुरी ऐश्वर्य से युक्त रघुनाथ जी के संग में भी आप ही विराजमान हो रही हैं। इसलिए कृष्ण से पहले मर्यादा है, जब तक जीवन मर्यादित तो नहीं होगा कृष्ण चरित्र समझ नहीं आएगा। कृष्ण की बात कहने से पहले हमारे सुखदेव गोस्वामी जी महाराज राम जी की बात करते हैं और राम बात की बात करके आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रणम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतधि रवायणम। क्योंकि समय नहीं महाराज, 9 दिन फिर सुनना राम कथा अलग से। अब की बार तो महाराज जी यमुनानगर राम जी की कथा हुई 9 दिन, केवल बालकांड की लीला हुई 9 दिन में, क्योंकि लीलाओं का विस्तार बहुत है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो एक एक शब्द कृष्णमयी है और कृष्ण आप जानते हो कितने गहरे हैं। आप डूबते रहो भीतर प्रवेश करते रहो महाराज, तरहटी नहीं मिलेगी। इसलिए इन भक्तों का आश्रय लीजिए, जितने भक्तों की वाणी हो जाए, बस एक भक्ति का आप ये ध्यान दीजिए, उसकी वाणी भी भीतर उतर जाए, वो भी आपको निर्भय कर देगा, वो भी आपके जीवन को सार्थक कर देगा। ऐसी निर्भयता संसार में चलोगे लेकिन भरोसा होगा मेरी श्री जी साथ में है, मेरी करुणामयी साथ में है। डरना नहीं, घबराना नहीं, संसार यात्रा कीजिए मस्ती में मौज में। छाए काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूं मैं। छाए काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूं मैं। आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूं मैं। आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूं मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है। नवम स्कंद में राम जी की चर्चा करके केवल दो श्लोक में सुखदेव जी कृष्ण कथा का वर्णन करते हैं। मथुरा में आए, गोकुल में गए, गोपिकाओं के घर में माखन की चोरी की, यमुना के तट पर रमणियों के संग में महारास की क्रीड़ा करना, वो अनंत अनंत सुख देकर फिर मथुरा द्वारका की लीला करके सबधाम में पधारना, विराम दे दिया। फिर किस लिए? क्योंकि सुखदेव गुरुदेव देखना चाहते हैं कि जिसको कथा सुनाई जा रही है क्या ये जीव अधिकारी है कृष्ण कथा के, क्या इनमें वो प्यास है, इनके अंदर वो अभिपसा है कृष्ण कथा की। और जब तक सदगुरु ये नहीं देख लेता कि जीव में पात्रता है कृष्ण कथा की, तब तक कृष्ण कथा प्रसाद नहीं मिलता। ध्यान दीजिएगा अब सावधान, क्योंकि इसके बाद 4 दिन केवल और केवल वृंदावन बिहारी की लीला है, ब्रज की लीला का आनंद लेंगे। मैं फिर प्रार्थना कर दूं, मथुरा और द्वारिका का केवल स्पर्श करेंगे और अगले 4 दिन केवल वृंदावन बिहारी के वृंदावन धाम की परम लीलाओं का परम आनंद लेंगे। जो अब तक नहीं आए आप उनको भी संदेश दीजिए, उनको भी संदेश दो। और फिर परीक्षित के मन की अभिपसा देख ली गुरुदेव ने, परीक्षण कर लिया, फिर शुरू होते हैं 10वें स्कंद में। लेकिन सुखदेव भी थोड़े सहम गए, थोड़े रुक गए, बोले कृष्ण कथा की समर्थता मुझमें भी नहीं है, कृष्ण कथा को कहने का साहस तो केवल और केवल मेरी सदगुरु राधा रानी जी में है। अगर वो करुणा ना करेंगी तो कृष्ण कथा रस नहीं बरस पाएगा। और मैंने पहले कहा था 10वें स्कंद पढ़िए, और 10वें स्कंद में शुरू होता है श्री शुक वाच, माने शुक माने सुखदेव जी, अकेले सुखदेव जी नहीं है, श्री सहित सुखदेव जी हैं। अब सुखदेव जी की हृदय स्थली पर राधा रानी जी विराजमान हुई है और फिर राधा रानी जी के माध्यम से
फिर दशम स्कंध की लीला, यदुवंश का जिक्र, देवकी और वसुदेव जी का विवाह, कंस का सारथी बनकर लिए जाना, आकाशवाणी होना, हे मूढ़मति कंस, जिस देवकी को इतने सम्मान से लिए जा रहा है, इसी का आठवां गर्भ तेरा काल बन के आएगा। और सामाजिक प्रेम बह गया, उतरा तलवार पकड़ ली, देव को केश से खींच लिया, मारने लगा, तो वसुदेव ने बड़ी नीति से समझाया, बोले महाराज क्षमा कीजिएगा, मारिए मत, आपको संतान का खतरा है, मैं वचन देता हूं मैं संतान दे जाऊंगा। बोले कम से कम समय तो संभालिए, बुद्धिमती यही कहती है कि उस वक्त का समय टाल दीजिए, किसी प्रकार से टाल दिया, कारागार में डाल दिया, कारागार में डाला गया देवकी जी को, वसुदेव जी को, छह पुत्रों को कंस ने मार दिया, और सातवें के रूप में भगवान शेष बलभद्र रूप में आए तो थे माँ देवकी के गर्भ में, फिर स्थानांतरण हो गया माँ रोहिणी के गर्भ के अंदर, फिर प्रकट हुआ बलभद्र भगवान की, और फिर नंद नंदन श्री कृष्ण की बारी है। गिरम समादो गगने, ब्रह्मा ने सुना प्रभु की वाणी अंतर समाधि में, सब देवताओं को संत समाज को बुलाया, बोले महाराज मैंने प्रभु की वाणी सुनी है, गोविंद आने वाले हैं, वृंदावन में परिपूर्ण कलाओं से श्री कृष्ण प्रकट होंगे, इसलिए जिस जिसने प्रभु की सेवा करनी है वो वृंदावन चला जाए। देखो कृष्ण बाद में आए हैं, ध्यान दीजिए, कृष्ण बाद में आए हैं, लेकिन भगवान की सेवा करने वाले संत महात्मा भक्तजन वो पहले पहुंच गए हैं। कोई वृंदावन धाम का गोपी ग्वाल बन गया, कोई वृंदावन धाम के गैया बछड़े बन गया, कोई मृग बन गया, कोई वृंदावन धाम के बानर बन गया, कोई लता पता बन गया, और महाराज कई कई संत महात्मा तो ऐसे हैं जो वृंदावन धाम के वृक्ष लता पता बनकर प्रकट हो गए कि जब श्री गोविंद वेणु वादन करते करते वृंदावन की कुंजों में विहार करेंगे, हम लोग झुक झुक कर प्रभु के चरणों का अक्षारण किया करेंगे, बोल वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भादोपद अष्टम तिथि, बादो की आज ही रात जन्म लियो कृष्ण मुरारी, आंधी हुई बरसा दिखाई लीला बिहारी, बादो की आज ही रात जन्म लियो कृष्ण मुरारी। लेकिन श्री कृष्ण के आने से पहले नारायण प्रकट हुए हैं, माँ देवकी वसुदेव जी को याद करवा रहे, मनु शत्रुपा रूप में आपने साधना की थी, मैंने आपके यहाँ आने का वचन दिया था, सो आज कृष्ण रूप में आ रहा, इस रूप में आ रहा, और तब भगवान उस रूप में प्रकट होंगे। लेकिन पहले नारायण भगवान अपना नीलमणि प्रकाश देव के गर्भ में प्रतिष्ठित करते हैं, देवतागण आए हैं, गर्भस्थ शिशु की मंगल स्तुति की है, और फिर भादो की अष्टमी तिथि को रात को ठीक 12 बजे परिपूर्ण कलाओं सहित श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड के राजाधिराज श्री कृष्ण उस बाल रूप में प्रकट होने जा रहे हैं। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की, आइए मिलकर वैदिक स्तुतियों से श्री कृष्ण का अभिनंदन करें। और आपको कुछ नहीं कहा, मेरा इशारा इनसे कुछ, शीरशं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमानित्यं विश्वं नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमोपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणपरः
नारायण परम ब्रह्म तत्वम नारायण परः नारायण परो ध्याता ध्यानम नारायण परः यच्च किंचित् जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयते पिवा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोश प्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधो मुखम् अधो निष्ठा वितस्यान्ते नाभ्यामुपरितिष्ठति ज्वालमाला कुलं भाति विश्वस्यातनं महत् ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयत प्रजाः सृजयेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायणाद् ब्रह्मा जायते नारायणाद् रुद्रो जायते नारायणादिन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतये प्रजायन्ते नारायणाद्वादशादित्या रुद्रावस्सर्वाणि च छन्दगुंसि नारायणदेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते ॐ अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः ध्यावा पृथिव्योच नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः उधर्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण अवेदगुं सर्वं यद्भूतं च भव्यं निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणः नाद्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दि प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुख प्रचोदयात् ॐ
तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्ण पक्षाय धीमहि तन्नो गरुड़ प्रचोदयात्। ओम वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे महादुतिकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात्। ओम वैष्णराय विद्महे लालिलाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नो सर्व प्रचोदयात्। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवम् विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमानित्यं विश्वं नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमोपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायण परः नारायण परं ब्रह्मतत्त्वं नारायण परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायण परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते पिवा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोश प्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यदो मुखम् अधो निष्ठ्यावितस्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यातनं महत्। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवामहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ
महे सत्य देवाय धीमहि तन्नो सर्व प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल श्री मद्भागवत महापुराण व्यास जी महाराज की। बोलो भाई सब संत भगवान की। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमोस्तु ते व्यास विशालबुद्धे उल्लारविंदाय तत्पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। वासुदेवसुतं देवं कंसचालूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल। बहुत ही आज हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है जो कि आज हम अपने श्री गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में बैठ करके
ठाकुर जी का जो आज श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जन्मोत्सव है उसको मनाने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने बहुत सुंदर कथाएं सुनी और आगे भी ठाकुर जी की जो बाल लीलाएं हैं आप श्रवण करेंगे, बहुत ही अच्छी बात है। मैं यही कहूँगा कि आप सबके प्रति ठाकुर जी के प्रति प्यार हो, उनके प्रति भक्ति बनी रहे। मेरा आप सबके लिए यह आशीर्वाद है। जितना भी ज़्यादा हो सके चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते आप भगवान का भजन करें, भगवान का सेवन करें, यही जीवन का लक्ष्य है। बाकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। ठाकुर जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। एक लाइन आपको सुना दूं मैं कि आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव है। जब बाल लीलाओं के अंतर्गत ठाकुर जी ग्वाल वालों के साथ आपस में खेल रहे थे तो इच्छा तो ठाकुर जी की थी, खेलते खेलते अनायासी जो गेंद थी ना वो कालिया देह में गिर गई जाकर। इच्छा तो ठाकुर जी की थी कि उसमें कालिया नाग का निवास था, उसने जल को दूषित कर दिया था अपने विष से। तो जब गेंद कालिया देह में गिर गई तो ग्वालों ने कहा भी लल्ला अब तो आप ही जाकर के गेंद निकाल के लाओ कि आपने गिराई है। तो ठाकुर जी ने एकदम छलांग लगाई और कालिया देह में कूद गए। जब कालिया देह में कूदे तो वहाँ कालिया नाग की पत्नियाँ थीं, उनको ये नहीं पता ये भगवान हैं, ठाकुर जी हैं, कृष्ण जी हैं। उन्होंने सोचा कि छोटा सा बालक है तो कहीं हमारा पति जो कालिया नाग है जब वो जग जाएगा इसको डसेगा मार देगा। तो वहाँ फिर वो जो नाग पत्नी है वो गाती है, बड़ा सुंदर लाइनें हैं। श्यामा गेंद दा बहाना करके नथे आसी जाके काले नाग नू। ओ श्यामा गेंद दा बहाना करके नथे आसी जाके काले नाग नू। ओ श्यामा गेंद दा बहाना करके नथे आसी जाके काले नाग नू। काले नाग दी करवाली ने दोने हाथ जोड़े, काले नाग दी करवाली ने दोने हाथ जोड़े। लैले शामा गैना गठा छड़ दे नाग दे डोरे, लैले शामा गैना गठा छड़ दे नाग दे डोरे। वे मापे रोन गे वे बाल का फोड़ फोड़ मते बाल पागनू। ओ मापे रोन गे वे बाल का फोड़ फोड़ मते बाल पागनू। ओ श्यामा गेंद दा बहाना करके नथे आसी जाके काले नाग नू। जय श्री राधे। सबको ठाकुर जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे।